आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज का मैच है सिंध वारियर और सुपर कलंदरी के माबेन। टॉस जीत कर सुपर कलंदरी ने पहले फील्डिंग का फैसला किया है और ओपनिंग के लिए आए हैं आसिफ मसी और इमरान लियाकत। वहीं दूसरी जानी बॉलिंग का आगाज़ करेंगे अली जट। दूसरा उधर कैमरा लगा, स्लिप वाला आ जाएगा, कीपर आ जाएगा, बैट्समैन नजर नहीं आएगा। पहली बॉल का आगाज होने को है। काफी सर्दी है ग्राउंड में। पिछले 2 दिनों से जहाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम में तब्दीली आई है। अब देखते हैं कि पहले जो बल्लेबाजी की दावत दी है सिंध वारियर को सुपर कलंदरी के हक में बेहतर साबित होती है या नहीं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेन करेंगे अली जट। सामना करेंगे इनका आसिफ मसीह। अली जट ने पहली गेंद शुरुआत की है वाइड बॉल के साथ अंपायर मुजतबा शाह, और इस एक्स्ट्रा के रन के साथ सिंध वॉरियर का खाता खुला। मुशाहिद बजीर हैदर पठान और सरफराज कोसो को कहेंगे वेलकम। वालेकुम अस्सलाम सरफराज भाई, हैदर भाई एंड मुशाहिद भाई। वीडियो को शेयरिंग का आगाज़ कर दें। पहला मैच है, आज 2 मैच खेले जाएंगे और इस बार खेला है गली की जानिब। फील्ड किया है खुर्शीद ने, 1 रन का मजीद इजाफा। सिंध वारियर 2 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर है इमरान लियाकत। अब हमारे साथ जो दोस्त जुड़े हैं एहसन गोयल कह रहे हैं बेस्ट विशेस इरफान अराई को, भाई को कहेंगे वेलकम। आते ही 10 ग्रुपों में शेयर कर दिया है, शुक्रिया। और इसके साथ ही एक और एक्स्ट्रा का रन मिलेगा। सिंध वॉरियर इस 1 रन के साथ पहुंची 3 पर। इससे पहले वाला जो मैच था, अगर सिंध वारियर की तो बात करें तो सुपरस्टार ढक के खिलाफ खेली थी, 205 रन का ताकुब नहीं कर पाई थी, और आज खेल रही है अपनी पहली जीत के लिए। वहीं दूसरी जानब सुपर कलंदरी, सुपर कलंदरी को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था हसन रजा स्पोर्ट्स से। तो दोनों ही टीमें भरपूर कोशिश करेंगी KSL सीजन 3 में अपनी पहली जीत दर्ज करवाएं। क्या खूबसूरत टूर्नामेंट
करवाने में कामयाब रहे हैं अली हैदर शाह के एस एल सीजन 3। साथ हासिल उन्हें ओमान के के दीन मोहम्मद कायम खानी और हाजी सुलेमान चांडियो। अली जट शमशाबाद की क्रिकेट का बड़ा नाम एक बार फिर, इस बार एक और वाइड बॉल और इसी के साथ 4 रन। जो जो दोस्त जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर करते जाएं। आवाज दोस्तों सही आ रही है, शोर तो नहीं है। अली जट एक बार फिर, इमरान लियाकत ने खेला है 1 रन का मजीद इजाफा, इमरान पहुंचे 1 पर, सिंध वॉरियर 5। आसिफ मसीह अब करेंगे सामना। अली जड़ एक बार फिर, अच्छी गेंद अली जड़ की और डॉट गेंद, 5 गेंदों पर 5 रन बना लिए हैं अब तक सिंध वॉरियर ने, और अपने कोटे और इनिंग के पहले ओवर की आखिरी गेंद करवाएंगे अली जट। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे दोस्त वहीद बबलू को कहेंगे वेलकम। इस बार खेला है 4 रन के लिए, क्या खूबसूरत शॉट खेली है आसिफ ने, पॉइंट और गली के दरमियान में से गैप में से 4 रन हासिल किए और इसी के साथ पहला ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। 9 स्कोर इस वक्त सिंध वॉरियर का बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तो वहीद बबलू का भी भरपूर अहम किरदार इस टूर्नामेंट में, ये जो आप 200-250 से ज़्यादा प्लेयर इस वक्त इन एक्शन देख रहे हैं, तो इनमें फॉर्म फिलिंग का जो मरहला था उसमें वहीद बबलू की काफ़ी खिदमत हैं अली हैदर शाह एंड कंपनी के लिए। उसके बाद हमारे साथ हैं शान अहमद किशको, शाद अमजद किशकोर, इनको भी कहेंगे वेलकम। उमरकोट क्रिकेट कह रहे हैं, उमरकोट सिटी के कौन कौन से प्लेयर हैं यार, उमरकोट के सिटी के कौन कौन से प्लेयर हैं वहीद बबलू यार, अगर देखिएगा रिप्लाई दीजिएगा भाई को। शर अमजद किशकोरी कह रहे हैं हाय, इनको वेलकम कहेंगे। एहसन गोयल कह रहे हैं गुड शॉट, एहसन गोयल भी काफ़ी खेले हैं सिंध वॉरियर के लिए। दोस्तों शेयरिंग करते रहें, शेयरिंग को मत रोकें, सर्दी का इस वक्त समय है, काफ़ी दोस्त इस वक्त घर में बैठकर इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं। और इस बार अमानत अली की इस गेंद को खेला है, मनोज ने गेंद को फील्ड किया है, इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो चुका है 10 और इमरान लियाकत पहुंचे 2 पर। और हम नासिर गोयल को भी कहेंगे वेलकम। एहसन भाई, नासिर भाई वीडियो को जरूर शेयर करें, मुशाहिद बजीर ने 52 ग्रुपों में शेयर कर दिया, थैंक यू, शुक्रिया मुशाहिद भाई, मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं। इस बार दफाई अंदाज से खेला है आसिफ ने, दूसरे ओवर का खेल इस वक्त जारी है। वीडियो को दोस्तों शेयर करते जाएं, पहला मैच है और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। सिंध वारियर ने काफी इंप्रूवमेंट की है अपनी गेम में। इस बार खेला है आसिफ ने, गैप तलाश किया स्लिप और गली के दरमियान में से 4 रन के लिए, पहले इंतजार किया और फिर खेला, क्या ही जबरदस्त खेला है। राहत हारून एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कल भी ये दोस्त हमारे साथ थे, गंदरबल कश्मीर से हमें देख रहे हैं, गंदरबल आई थिंक इनके इलाके के नाम है, कश्मीर से देख रहे हैं। एहसन भाई वीडियो को शेयर करें, एहसन गोयल, राहत भट्ट, हारून भाई आप भी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, शर अहमद गिशकोरी भाई वीडियो को शेयर करें। 9 पर पहुंचे हैं आसिफ मसीह, तो काफ़ी अब तक अच्छी शुरुआत कर ली है। इस बार खेला है, गेंद को फील्ड किया है परवेज लारा ने लॉन्ग ऑन पर, 1 रन का मजीद इजाफा,
सिंध वॉरियर 15। अब सामना करेंगे इमरान लियाकत। इस बार क्या ही जबरदस्त अंदाज से खेला है, लेकिन फील्डर मौजूद है। जी हाँ, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। इमरान पहुंचे 3 पर, सिंध वॉरियर पहुंची 16 पर। लव यू पाकिस्तान कह रहे हैं भत्त हारून। कश्मीर और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो पूरी दुनिया जानती है, तो वेलकम कहेंगे हमारे भाई को। दोस्तों वीडियो को शेयर करें तमाम ग्रुप्स में अपनी टाइमलाइन पर। काफ़ी दोस्तों को नहीं पता कि 10 बजे भी मैच स्टार्ट हो रहा है या 11 बज चुके हैं। बल्कि इस बार अच्छी गेंद अमानत की। इसी के साथ दूसरा ओवर अपने अख्ताम को पहुंचा, 16 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मुशाहिद बशीर बजीर भाई ने, क्या नाम था भाई का, मुशाहिद बजीर, बिल्कुल मुशाहिद बजीर ने 52 ग्रुपों में शेयर किया है। बाकी जो दोस्त हैं मेरे प्यारे वो भी ज़्यादा शेयर करें। अली जट एक बार फिर गेंद करेंगे और इनका सामना करेंगे इमरान लियाकत। शर अमजद गिशकोरी भाई आप शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करें। अली जट और पापली चंडी को भी कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, इनको वेलकम कहेंगे। इस बार इमरान ने खेला 1 रन के लिए। भाई अल्लाह का शुक्र है आप सुनाए। अरबाब अली चांडिया भाई वीडियो को शेयर करें, जो जो दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो को शेयर करें। शेयरिंग के सिलसिले को काफ़ी सुस्ती कर रहे हैं। सर्दी आई थिंक जहां बैठे हैं वहां इतनी सर्दी नहीं होगी जितनी सर्दी यहाँ है। शाहिद रियाज चंद्र को भी कहेंगे वेलकम, वालेकुम सलाम कहेंगे इनको। थम्स अप भेज रहे हैं, स्टीकर ही भेज रहे हैं, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। अली जट एक बार फिर, इस बार अंपायर का इशारा, गुलाम मुज्तबा शाह वाइड बॉल और एक्स्ट्रा के 1 रन के साथ 18। आवाज कम कर। एक बार फिर अली जट गेंद करेंगे, इस बार खेला है आसिफ ने दिफाई अंदाज से, लेकिन क्या ही खूबसूरत अंदाज से करा 1 रन का मजीद इजाफा। आसिफ पहुंचे 11 पर। नासिर बजीद कह रहे हैं नहीं नहीं आज 2 मैच हैं, ये पहला मैच है, दूसरा मैच खेला जाएगा जैन स्पोर्ट्स और अहमद लाइंस के माबेन। दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में पहली बार आमना सामने होंगी और अपना पहला ही मैच खेलेंगी। दोनों सुपर कलंदरी और इस वक्त सिंध वॉरियर का जो मुकाबला है, दोनों टीमें एक एक मैच हार चुकी हैं। शायद रियाज चंद्र कह रहे हैं बारिश खाने वाले में हो रही है, यहाँ भी काफ़ी सर्दी है भाई। आप वीडियो को शेयर करें ताकि बारिश के मौसम में लोग मैच एंजॉय करें। और इस बार खेला है इमरान लियाकत ने, लेकिन उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग अपील कर रहे हैं। इसी असना 2 रन बना लिए। इमरान पहुंचे 6 पर, टीम का मजबूत स्कोर 21। शानी का मैच कब है मीर? शानी का मैच ये ड्राज इसी हमारे पेज पर मौजूद है, जाकर चेक कीजिएगा। बाकी जो अगला ड्राज है वो इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा। मजीद 5 ग्रुपों में शेयर कर दिया मेरे प्यारे भाई मुशाहिद बजीर, इनको फिर कहेंगे थैंक यू। शायद रियाज भाई पहले आप काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग करते थे, अब इतनी अच्छी ब्रॉडकास्टिंग दिखा रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल आपने शेयर किया, थैंक यू शायद भाई। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इमरान सदीक को कहेंगे वेलकम। टॉड गेंद करवाई है इस बार अली जट ने, प्रीमियम बॉलर हैं अली जट सुपर कलंदरी के, लेकिन तारीफ करना होगी यहाँ सिंध वॉरियर के ओपनिंग जोड़ी को, काफ़ी पूरे एतमाद अंदाज से खेल रहे हैं। अब्दुल्ला बजीर कह रहे हैं कैसे अल्लाह का करम है भाई आप सुनाएं। अब्दुल्ला बजीर भाई आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप 30 से ज़्यादा ग्रुपों में ज़रूर शेयर करेंगे।
अली जड़ एक बार फिर। और यहां पर पांव से गेंद को रोका है, एक रन का मजीद इजाफा। अगर ना रोक पाते तो ये यकीनी बाउंड्री थी। मीर शानी नहीं, जिसमें अली हफीज और तारा चंद उमर कोट वाले हैं वो, या टीम का नाम कौन सा है? नासिर बजीर भाई। तारा चंद तो यार उसमें सुपरस्टार ढक में है। इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ पर चार रन के लिए। क्या ही खूबसूरत अंदाज है आसिफ का, खड़े खड़े खेलते हैं और इस चार रन के साथ सिंध वॉरियर 26 आसिफ पहुंचे 15 पर। हकीम खान को भी कहेंगे वालेकुम सलाम, को कहेंगे खुश आमदीद। एक हकीम खान जी है और एक हकीम खान कल जो खेले हैं, क्या है ये जबरदस्त खेले हैं। मैच जरूर हारी का लकीस था, लेकिन तारीफ करना होगी हकीम खान की और कामरान बलोच की। आजाद खान हमारे साथ हैं जी, बिल्कुल शाहनवाज भाई। आजाद भाई आज दो मैच हैं, वालेकुम सलाम भी कहेंगे शाहनवाज भाई। आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं, तो ये मेरे भाई भी 30-40 ज़रूर शेयर करेंगे। ये मोहब्बत है शाहनवाज भाई की, शेयर करेंगे। तारा चंद नहीं, उसका भाई रामचंद, या रामचंद का आज मैच है जी, इसके बाद रामचंद का मैच है। बिल्कुल अहमद लाइन्स में आई थिंक है रामचंद, इसके बाद जो मैच है वो रामचंद उसमें ज़रूर होंगे। इस बार खेल लिया है चार रन के लिए, धैर्य के ऊपर से इमरान लियाकत ने खेला है और चार रन के इजाफे के साथ 30। भाई बॉलर कौन है? इंजमाम बॉलर कौन है? बॉलर अमानत ही है, कंटिन्यू कर रहे हैं। अमानत को इस बार पड़ा है चौका इमरान लियाकत के बैट से। शमशाद अली खास के लिए को भी कहेंगे वेलकम, कल के आई थिंक मैन ऑफ द मैच हैं ये, सज्जन साई 11 का हिस्सा है। शमशाद भाई आप भी वीडियो को शेयर करें। अंपायर अली हैदर शाह का इशारा, वाइड बॉल। सिंध वारियर्स इस वक्त 31 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। शेयरिंग को मत रोकें दोस्तों, शेयरिंग को मत रोकें। हाँ वो मैच कितने बजे स्टार्ट होगा? मैच इंशाल्लाह 1 बजे या 1:30 पर स्टार्ट हो जाएगा। इस बार फिर खेल दिया है कवर और पॉइंट के दरमियान में से चार रन के लिए। इन चार रन के साथ इमरान पहुंचे 15 पर। टीम का मजमू स्कोर हो चुका है 35। दो गेंदों पर दो बाउंड्रीज हासिल कर ली है। जबरदस्त बैटिंग जारी है इमरान लियाकत की। कितना ही खूबसूरत मैच जारी है। अब थोड़ा सा शेयर किया है दोस्तों ने, शेयरिंग में कंजूसी मत करें। एक बार फिर खेल दिया, इस बार फील्डर मौजूद है नीचे, सलमान कायम खानी। जी हाँ, क्या ही खूबसूरत कैच किया है। एक बार जरूर हाथ से गेंद निकली थी लेकिन संभल गए और एक बार सेकेंड टाइम कैच को जज करके पकड़ा है सलमान केके ने। बड़ी विकेट हासिल कर लिए इमरान लियाकत की अमानत अली ने और पहली विकेट गिरी है सिंध वॉरियर्स की। बारह गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए हैं इमरान लियाकत। प्रोजेक्टेड स्कोर की बात की जाए तो करंट रन रेट है 10 का, तो 200 तक पहुंच जाएगी। अगर 8 के रन की औसत से बनाते हैं तो 167 पर पहुंचेंगे और अगर 12 की औसत से रन बनाएंगे तो 233 तक पहुंच सकती है सिंध वॉरियर। अब नए आने वाले जो बल्लेबाज हैं देखना है। फैसल परवेज आए हैं,
आसिफ मौजूद हैं अभी क्रीज पर। अच्छी बॉल अमानत की, क्रॉस कर चुके थे तो स्ट्राइक मिली आसिफ को। क्या कह रहे हैं मेरे भाई, हाँ वो मैच बिल्कुल जी बता दिया मैंने, शर अमजद गिशकोरी ने शेयर किया या नहीं ये देखेंगे। बिल्कुल आपने शमशाद भाई शेयर कर दिया, लेकिन आपसे मुझे एक शेयर नहीं ज़्यादा शेयर चाहिए आप मेरे प्यारे दोस्तों। इस बार दूसरा कैच सलमान के यू ब्यूटी, पॉइंट की जानिब खड़े थे लेकिन स्ट्रोक बहुत जबरदस्त था, बदकिस्मत रहे आसिफ, सीधा कैच दे दिया है सलमान के हाथों और अमानत ने हासिल कर लिए दूसरी विकेट। अमानत ने एक ही ओवर में दो विकेटें और दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज ए प्लस और फिक्स प्लेयर को आउट कर दिया है और दूसरा ही कैच पकड़ा है सलमान के ने। अब मुश्किल में पड़ सकती है सिंध वॉरियर, क्योंकि दोनों ही जो बात की जाए प्रीमियम बैट्समैन थे वो आउट हो चुके हैं। अब आई थिंक इम्तियाज मामू आ रहे हैं। इम्तियाज जी हाँ, इम्तियाज बजीर। अब दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर नए हैं। 12 गेंदों पर 15 रन से इमरान ने बनाए थे, 11 गेंदों पर 15 रन से बनाकर आउट हुए हैं बिल्ला ये आसिफ मसीह। मोहम्मद ओवैस को सो कह रहे हैं साईं अली हैदर शाह अंपायर हैं। बिल्कुल जी साईं अली हैदर शाह अंपायर हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। इस बार इम्तियाज ने खेला है एक रन के लिए, एक रन के इजाफे के साथ 36 दो विकेटों के नुकसान पर काफी जबरदस्त ओवर करवाया है अमानत ने अपनी टीम के लिए, सुपर कलंदरी के लिए। उसके बाद हमारे साथ हैं सुबह भाटी साहब, वेल्डन कह रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर इन ब्रॉडकास्टिंग पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और एक से ज्यादा ग्रुप में शेयर करेंगे। फयाज कैम खानी को भी कहेंगे वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू कहेंगे इन्हें, इन्होंने वीडियो को शेयर किया है। मोहम्मद ओवैस खसो अंपायर मैंने बता दिया जी, अंपायर एक सैयद मुश्तबा शाह हैं और जो दूसरे अंपायर हैं वो सैयद अली हैदर शाह हैं। शमशाद अली खास करें मैंने 5 ग्रुप में शेयर कर दिया है, शुक्रिया। लेकिन आपके पास क्रिकेट के ज़्यादा ग्रुप्स हैं लेकिन एक ने में किया, 5 में किया या 50 में किया, दिल से शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया उन दोस्तों का भी शुक्रिया कि बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। असलम बजीर कह रहे हैं इम्तियाज नौकर से, बिल्कुल जी इम्तियाज बजीर नौकर से हैं। ज्ञान चंद सलवानी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इनको भी कहेंगे खुश आमदीद और उम्मीद करेंगे कि 30 से ज़्यादा या 50 ग्रुपों वाला शेयर वाला कोई दोस्त शेयर करके डन लिखे कि मैंने इतने ग्रुप में शेयर कर दिया है। अली जट थे बल्लेबाज, अली जट रोक कर खेला है इम्तियाज ने। अली जट को लाया गया है, इम्तियाज मामू के आई थिंक विकेट लेना चाहेंगे। इस बार खेल दिया है 4 रन के लिए, पॉइंट्स और गली के दरमियान में से जो शॉट लगती है क्या खूबसूरत लगती है और इम्तियाज मामू ने यह चौका लगाया है। पहुंचे हैं 5 पर, टीम का इस वक्त स्कोर है 40 दो विकेटों के नुकसान पर। उबैद खोसो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह का शुक्र है आपसे, आप कैसे हैं। मोहम्मद ओवैस कह रहे हैं सैयद शाह की टीम बिल्कुल है जी, मंडे को इनका मैच कल नहीं परसों जलमी टाइगर्स और अराई टाइगर्स के माबेन। एम अर्शद कैम खान कह रहे हैं गुड ऑर्गेनाइजेशन भाई, वीडियो को शेयर करें, जितने भी दोस्त मैच देख रहे हैं वो शेयर करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही। लेग बाय का एक रन मिलेगा। बिल्कुल जी ये शमशाद वो जो वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे थे तो काफी दोस्त जो है फेसबुक पे चेक कर रहे थे, अगर शेयर नहीं करेंगे तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगा, वो व्हाइट कलर की एक स्क्रीन होती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे बिना ऐसी कोई चीज़ की आप ज़रूर शेयर करते जाएंगे।
एक और भी टेक्निक है दोस्तों, कमेंट्स नहीं काफ़ी दोस्त पढ़ते हैं कि वो शेयर नहीं करें, लेकिन हमने भी ऐसी चीज़ें की हैं लेकिन दिल नहीं मानता, क्योंकि काफ़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि असल सीज़न 3 में आप शेयर कर रहे हैं। आपने बताया नहीं इस वक्त कितने शेयर हो रहे हैं भाई, 151 शेयर हो चुके हैं इस वक्त, 151 शेयर हो चुके हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि 50-50 शेयर दोस्त करेंगे तो ही जाके 1000 तक पहुँच पाएंगे हम। अली जट, इस बार वाइड बॉल, आई थिंक, जी हाँ, अंपायर का इशारा और वाइड किया कैस्ट रन के साथ 42, 151 शेयर हो चुके हैं। और उम्मीद करेंगे कि 5वें के ओवर के अख्ताम तक, 6ठे के ओवर की शुरुआत से पहले हम 200 तक पहुंच जाएंगे। बहुत से मेरे दोस्त हैं जो मोहब्बत का इजहार करते हैं और एप्रिसिएशन है इन दोस्तों की जो शेयर करते हैं और एक से ज़्यादा शेयर करते हैं। अली नवाजरीन करने आज जल्दी, आज 2 मैच हैं इसलिए जल्दी स्टार्ट हुआ है। इसी तरह कह रहा हूँ जैसे अभी नए नए दोस्त हैं, काफ़ी दोस्त 1 बजे आकर ही चेक करते हैं तो शेयर करेंगे तो बिल्कुल उनके सामने ग्रुप्स वगैरह या आप किसी की टाइमलाइन के थ्रू ज़रूर नज़र आ जाएगा कि मैच चल रहा है और हमारी मेहनत रहेगा नहीं जाएगी। आप भी कर दो ऐसा सिस्टम, नहीं ऐसा सिस्टम करना नहीं है, जब ऐसे आप लोग शेयर कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। 1000 तक पहुंच जाएंगे फिर खामोश रहेंगे, उम्मीद करते हैं कि दोस्त अभी से ही ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे। वाइड बॉल, एक्स्ट्रा का मजीद 1 रन, 43। अच्छा जी असद भाई, किस किस का मैच है? मैच इस वक्त जा रही है सुपर कलंदरी और सिंध वॉरियर के माबैन, आप देख भी सकते हैं अगर आपको मैं स्क्रीन पर शो कर दूं दोनों टीमों के लोगोज। हैदर शाह ग्राउंड से इस वक्त जबरदस्त मैच जा रही है कुनरी में, और दोस्तों से कहेंगे कि ग्राउंड में आने की कोशिश करें, जबरदस्त ग्राउंड इस वक्त, और कल जो था ज्यादा क्राउड था बनिस्बत दिगर मैचेस के, जुमे का दिन था। एक और डॉट बॉल, अब हमारे साथ कौन से दोस्त जुड़े हैं? शर्म गिशकोरी, बस वीआईपी पर स्टिकर भेजे जा रहे हैं, स्टिकर मत भेजें, कमेंट्स में कोई कैद नहीं है, जितने मर्जी करें, आपके लिए जान हाजिर है शेर, तो बहुत शुक्रिया असलम वाले पटो, ये मोहब्बत है आप दोस्तों की, शुक्रिया असलम वाले पटो मेरे प्यारे दोस्त, इस बार खेला है। और फैसल ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ, इसी के साथ 5 ओवरों का खेल अपने अख्तितम को पहुंचा, 44 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। और कौन है मेरे साथ? इम्तियाज अली कह रहे हैं थैंक यू, आते हैं ग्राउंड में, बिल्कुल जी आए। तो दोस्तों 172 शेयर हो गए, 200 शेयर तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं कि 6ठे ओवर की शुरुआत तक, सॉरी 5वें ओवर की शुरुआत तक। अच्छा स्क्रीन पर आप लोगों को 2 गेंदें अभी भी कम नजर आ रही है, आई थिंक अब, आई थिंक जी हाँ, 5 ओवर हो चुके हैं तो 6ठे ओवर के आगाज तक हम 200 तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। जफर अली किशकोर, नाइस असद भाई थैंक यू, इम्तियाज अली सदाम कपरी को भी कहेंगे वेलकम। लारेब रईस खान कह रहे हैं भाई कर दिया है मैच, दुबई से देख रहे हैं मुझे, लारेब रईस भाई शुक्रिया, दुबई से मुझे देख रहे हैं, इनको कहेंगे वेलकम, शेयर करें दोस्तों, 6ठा ओवर का आगाज होने को है, 200 तक पहुंचा दें, उम्मीद करते हैं कि अब हो चुके हैं 180, 20 शेयर चाहिए अगर पहले गेंद तक, इंशाल्लाह कुछ 181 हो चुके हैं, 200 तक पहुंचाएं दोस्तों। उसके बाद मेरे साथ हैं मोहम्मद ओवैस खोसो सैयारी दरशाह, क्या मैच मंडे को कितने बजे होगा? 1 बजे होगा दोपहर को, पहला मैच नहीं उनका दूसरा मैच है। दीन मोहम्मद मैन कह रहे हैं नाइस कवरेज, और उम्मीद करेंगे कि इस कवरेज के गेंद होने को 15 मजीद शेयर चाहिए, 186 हो चुके हैं। इस बार पहली गेंद करवाई है अमानत ने अपने कोटे का, तीसरा इनिंग का 6ठा ओवर करवा रहे हैं इस 1 रन के साथ, फैसल पहुंचे 2 पर, टीम का स्कोर हो चुका है 45। तो दीन मोहम्मद मेहर, वही मैं कह रहा था कि अगर आप शेयर करेंगे तो ये हमें अपनी वो वसूल हो जाएगी मेहनत। उसके बाद मेरे साथ आए हैं शर अमजद गिशकोरी, वीआईपी मोहम्मद साले कपरी अफजल है या नहीं,
अफजल कौन से, अफजल चौहान नहीं है जी आज टीम का, ऐसा नहीं है। सिकंदर खान मीरवान कह रहे हैं भाई हम आपको सिर मेरे प्यारे भाई बहुत ही जबरदस्त कमेंटेटर मीर अफगान इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। इस बार इम्तियाज ने खेला है 1 रन के लिए। तो जो दोस्त देख रहे हैं कि आपको एक और बात बताते चलेंगे कि मीर अफगान एक क्रिकेट लीग करा रहे हैं, उसमें इनका एक चीज है कि वो सिर्फ कुनरी के प्लेयर्स अलाउ होंगे। हर लीग की खूबसूरती होती है कि मतलब वो एक केपीएल भी जबरदस्त इवेंट है, केएसएल भी है, बाकी जितने भी इवेंट्स इस वक्त कुनरी में हो रहे हैं। तो मीर अफगान ने जो एक चैलेंज लिया है वो मुश्किल जरूर है, अगर इसमें वो कामयाब हो जाते हैं तो इसमें नौजवान टैलेंट को जो है काफी फायदा हासिल होगा। इस बार फैसल ने खेला है कवर की जानिब, 1 रन का इजाफा। तो मैं बात कर रहा था मीर अफगान की, अगर जो दोस्त इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, नौजवान टैलेंट जितना भी है मतलब उसमें हर प्लेयर को चांस जरूर मिलेगा, जहां तक मैंने इनको सुना है, जिस तरह इन्होंने कहा है कि अजी 20 ग्रुपों में फिर शेयर कर दिया इरफान आरई ने। इस आवर के अख्ताम पे मैं जाकर चेक करूंगा कि कितना शेयर कर दिया आप दोस्तों ने। तो जो दोस्त हैं वो अगर इस लीग में हिस्सा लें, और ये एक और बात ये है खुशाइंदे कि वो नाइट इवेंट होगा, नाइट इवेंट में 1 रन का मजीद इजाफा। इस बार इम्तियाज बजीर के बैट से 7 अरसिन पहुंचे, सिंध वारियर पहुंचे 48 तक। तो नाइट इवेंट्स में अगर नौजवान खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले तो ये मेरे ख्याल में सोने पर सुहागा होगा उनके लिए। तो यहाँ मतलब जितने भी इवेंट्स चल रहे हैं इस वक्त काफ़ी दोस्तों को उनकी शिकायत होती है डे इवेंट्स में उन्हें चांस नहीं मिलता। तो कोशिश करें जो जितने भी दोस्त हैं कुंडरी के, नौजवान हैं या नौजवान नहीं भी हैं, अगर आप सीनियर प्लेयर हैं तो भी आप खेल सकते हैं। इस बार खेल दिया है, अंपायर का इशारा देखना होगा, 4 रन के लिए खूबसूरत चौका फैसल परवेज के बैट से। तो कोशिश करें मीर अफगान का साथ दें, जो चैलेंज इन्होंने लिया है कुनरी के प्लेयर्स के हक में वो बेहतर साबित हो। अच्छा, उसके बाद मेरे साथ आए हैं इरफान अराइन, बिल्कुल 20 ग्रुप शेयर कर दिया है, पर मैं चेक करूंगा इस ओवर के बाद के कितनी मोहब्बत का आगाज दिखाई है आपने, क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने 187 या 200 के करीब छोड़ा था। अमानत अली, अच्छी गेंद, इसी के साथ और अपने अख्ताम को पहुंचा। दीन मोहम्मद मेहर कर दिए, उन्होंने भी शेयर कर दिया, मुझे उम्मीद करूंगा एक से ज़्यादा शेयर किया होगा। और मेरे प्यारे भाई इमरान अख्तर राव ने 41 ग्रुपों में शेयर किया है, मुशाहिद भजीर ने शेयर किया 10 ग्रुपों में। चलिए अब देखते हैं कितने शेयर हुए थे उनके अख्ताम पर। शुक्रिया तमाम दोस्तों का शुक्रिया, 297 तक पहुँचा दिए, ज़बरदस्त, मतलब कि लगभग 300 के करीब हम पहुँच चुके हैं। उम्मीद करेंगे कि अभी भी 14 ओवर हैं, इसी इनिंग में कर लो, दूसरी इनिंग में आप रिलैक्स होकर चेजिंग देखें या जो मैच का मुकाबला है उसको देखें, फिर तंग नहीं करेंगे आपको शेयरिंग के मामले में। मोहरम खास के लिए को भी कहेंगे वालेकुम सलाम, इन्हें वेलकम भी कहेंगे। अली हैदर शाइन कंपनी की जितनी तारीफ करें कम है, कितना ही खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, और सबसे बेहतर बात इस टूर्नामेंट की यह है कि वेल डिसिप्लिन, टीमों को टाइम की बात की जाए या जितने भी मामले होते हैं बखूबी जानते हैं अली हैदर शाह, और रिस्पेक्ट देते हैं जितने भी क्रिकेटर हैं उन्हें, और काफी खिदमात है हैदर शाह की कुंडली की क्रिकेट के लिए। अंपायरिंग के भी आज फरायज अंजाम दे रहे हैं जितने भी टूर्नामेंट में इनके साथ हैं दोस्त, हर लम्हा गाहे बगाहे उनके साथ हैं। अब आई थिंक आए हैं परवेज लारा, परवेज लारा ने अपने पहले मैच में आई थिंक 2 विकेटें हासिल की थी, और अब देखते हैं कि परवेज क्या कमाल करके दिखाते हैं। सामना करेंगे परवेज लारा का इम्तियाज बजीर, उसके बाद हमारे साथ इम्तियाज असद भाई, मैंने भी शेयर कर दिया 15 बंदों को भी पको मोड़ के जब मैच है, शुक्रिया इम्तियाज अली भाई, शुक्रिया, थैंक यू। इस पर दिफाई अंदाज से खेला डॉट बॉल इम्तियाज ने, 299 शेयर कर दिए हैं। जो जो दोस्त से जितना मुमकिन हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ग्रुपों में शेयर किया करें, ग्रुपों में अगर शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ सकेंगे। एक बार फिर परवेज ला रहा, अंपायर सैयद मुज्तबा शाह का इशारा वाइड बॉल, और वाइड किस एक्स्ट्रा रन के साथ 53 2 विकेटों के नुकसान पर।
गुलाम हैदर हाली पोटो को भी कहेंगे वालेकुम सलाम, कह रहे सलाम वालेकुम असद गिल भाई, शुक्रिया आपको कहेंगे वेलकम। फरहान असगर बजीर कह रहे हैं शाबाश मामू इम्तियाज, तो इनको भी कहेंगे वेलकम और उम्मीद करेंगे। ये इस बार खेल दिया है, क्या ही जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव खेली है 6 रन के लिए, फुल टॉस गेंद थी और भरपूर फायदा उठाया और 6 रन के साथ इम्तियाज पहुंचे हैं 13 पर, सिंध वारियर 59 पर। और फरहान असगर बजीर को भी कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छा जी, मेरे उस जो मैं ऐलान कर रहा था उसमें एक और बात बताया जाने कि मेरे ने कमेंट्स भी कर लिया, दोस्तों कमेंट्स को पढ़ें, तो गेंद के बाद मैं भी आपको अनाउंस करता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं वो। एक और डॉट बॉल 6.3 ओवर के बाद 59 स्कोर है, तो सिर्फ कुनरी के प्लेयर्स खेलेंगे, आउट ऑफ कुनरी नहीं होंगे। जिन प्लेयर्स को चांस नहीं मिलता था वो मेरे टूर्नामेंट जबरदस्त अंदाज से खेलें और टीम सिर्फ 12 प्लेयर से ज़्यादा नहीं होंगे। नाइट लीग ऑफ मीर अफगान, बिल्कुल अच्छा, आई थिंक टूर्नामेंट को नाम दिया गया नाइट लीग ऑफ मीर अफगान, तो एक अच्छा नाम है। मीर अफगान के भी काफ़ी खिदमात हैं कुनरी की क्रिकेट में, इसमें कोई शक। और इम्तियाज बजीर ने एक बार फिर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ पर, इस बार 6 रन के लिए नीचे से गेंद को उठाया और फेंक दिया बाउंड्री से बाहर, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी इस वक्त जारी है इम्तियाज बजीर की। दोस्तों वीडियो को शेयर करते जाएं, इस ओवर के अख्तितम पर जाके देखेंगे कितने दोस्तों ने कितना साथ दिया है और मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ तमाम दोस्तों का काम है। तो मैं कह रहा था कि सिकंदर मीर अफगान ने बिल्कुल मेंशन भी कर दिया है कि अगर एक टीम में 12 प्लेयर्स को ये देते हैं तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक प्लेयर जो है उसका बैठना जो है वो 12वां प्लेयर भी मेरे ख्याल में ग्राउंड में ही है एक किस्म का, तो एक नहीं तो दूसरे मैच में जरूर से चांस मिलेगा। तो कोशिश करें इस लीग में भरपूर साथ दें उनका, और जो पहला सीजन होता है वही मुश्किल होता है, और अगर अल्लाह ताला ने चाह तो इनका ये सीजन कामयाब होता है तो हर साल इस इवेंट को वो कंटिन्यू करेंगे। 1 रन का मजीद इजाफा, इम्तियाज बजीर ने इस ओवर में 2 छक्के लगाए और 11 गेंदों पर 20 पर पहुंच चुके हैं। अजीजुल्ला चांडियो को भी कहेंगे वेलकम। फरहान असगर बजीर ने जानी शेयर कर दिया, शुक्रिया, शेयरिंग करते जाएं, देखें आवर के आखिर में जाकर चेक करेंगे कि कितने शेयर कर दिए आप दोस्तों ने, आखिरी गेंद करवाएंगे इस ओवर की। 297 पे छोड़ा था हमने शेयर को। परवेज लारा गेंद करेंगे और इनका सामना करेंगे अब फैसल परवेज और हैदर शाह के साथ है मीर अफगान इस टूर्नामेंट में। उसके बाद जो चांडिया ब्रादर्स हैं गुलाम गुलाम और चांडिया ताउला चांडियो, और इस बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल, आसिफ बलोच अंपायर में काफ़ी साथ देते हैं। अगर उसके बाद बात की जाए तो सैयद गुलाम मुस्तफा शाह और सैयद टेडी शाह मुश्तबा शाह गाहे बगाए हर लम्हे साथ हैं इस टूर्नामेंट में। 10 ग्रुपों में मजीद शेयर कर दिया है मुशाहिद बजीर, इनको कहेंगे शुक्रिया। एक बार फिर गेंद करेंगे, इस बार खेला है सलमान केके ने गेंद को फील्ड किया और इसी असना में 1 रन बनाया है, उस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर है 68 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा अब हम मुझे ज्वाइन किया इम्तियाज खोसो ने, इनको भी कहेंगे वेलकम। केएसएल खेल रहे हैं, उमरकोट से इनका ताल्लुक है, तो उमरकोट के प्लेयर इस बार केएसएल सीजन 3 में है और बहुत ही जबरदस्त अंदाज से खेल रहे हैं। जो अब शेयर की तरफ जाएंगे 297 से देखते हैं इस ओवर में शेयर के 335 तक पहुंचा दिया दोस्तों ने, शुक्रिया, थैंक यू, लव यू दोस्तों। और 7 ओवरों के अख्ताम पर हम 335 तक पहुंचे। हर ओवर में कोशिश किया करें दोस्त, जितने भी ज्यादा शेयर किया करें। मोहम्मद फहीम खालिद उमरकोट में जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें ये बड़ा इनका भी अहम किरदार होता है, इनको भी कहेंगे वेलकम। ताहिर कपरी आए हैं बॉलिंग के लिए, काफी सर्दी है फहीम भाई, बिल्कुल सर्दी बहुत ज्यादा है। और इस बार आए हैं ताहिर कपरी, ताहिर कपरी की
डॉट बॉल फहीम भाई, सर्दी है फहीम भाई, आप वीडियो को शेयर करें, ओवर के बाद देखेंगे कि फहीम भाई के आने के बाद कितनी शेयरिंग हुई है, इस बार खेला है। एक रन का मजीद इजाफा, 59 आठवीं ओवर का खेल जा रही है। असद भाई, पको मोड़ टीम का जब मैच हो, पके मोड़ का मैच कल है, कल दूसरा मैच होगा पक्के मोड़ का। इम्तियाज भाई, फरहान असगर बरीज बजीर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जियो लाहौती, वसीम बजीर, गुलाम रसूल, बबली बजीर, बरकत जानून बजीर, फराज अली बजीर, फहीम सिंधी। चले जी, मुझे मुकम्मल कमेंट पड़ा इनका, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जितने नाम लिए इससे तो ज़्यादा ही शेयर करेंगे। फिदा खान को भी कहेंगे वेलकम। आई थिंक फिदा खान ने टोरंटो ईगल्स वाले हैं, अगर आप हैं तो बिल्कुल कीजिएगा, कि इन्होंने वही है तो ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, 63 रन बनाए थे। उज़ैर कायम खानी को कहेंगे वेलकम, वालेकुम अस्सलाम। इस बार एक रन का मजीद इजाफा इम्तियाज के बैट से, तो उज़ैर के जो है ए प्लस हैं। उमान कायम खानी फिक्स प्लेयर हैं पको मोड़ के, पको मोड़ का ये हिस्सा है उज़ैर कायम खानी। जहांगीर किंग हमारे साथ हैं, किस जगह मैच हो रहा है, मैच इस वक्त जारी है कुंडरी में, हैदर शाह ग्राउंड में, बहुत ही ज़बरदस्त ग्राउंड है नज जोसफाबाद कुंडरी, अलाल चौक से चंद ही दूरी पर है। उसके बाद है जिशान हैदर, इनको भी कहेंगे वालेकुम सलाम। जहांगीर को मैंने कर दिया, मोहम्मद फहीम खालिद ने भी शेयर कर दिया है, 335 पे या 300 पे छोड़ा था, ओवर के बाद देखेंगे कितने शेयर किए आपने। शुक्रिया फहीम भाई, एक रन का मजीद इजाफा। जीजा जूझा राम कोहली को भी कहेंगे वेलकम, मैच इस वक्त जारी है सिंध वॉरियर और सुपर कंट्री के माबेन, और इसके बाद रामचंद का मैच है, रामचंद अहमद लाइन्स में होंगे और सैन वॉरियर के साथ मैच होगा, बड़ा ही ज़बरदस्त मैच खेला जाएगा, दोपहर 1 बजे या 1:30 पर मैच शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। इम्तियाज ने इस बार खेला है एक रन के लिए, इम्तियाज पहुंचे 22 पर, सिंध वॉरियर पहुंचे 72 पे। मोहम्मद अब्दुल्ला कायम खानी को भी कहेंगे वालेकुम सलाम, वॉइस ऑफ समारो के ये एडमिन है, इनको कहेंगे वेलकम, इन्होंने शेयर कर दिया, शुक्रिया, थैंक यू, और उम्मीद करूँगा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर किया होगा दोस्तों। उसके बाद हमारे सामने फरहान असगर बजीर, इनको भी कहेंगे वेलकम, मुख्तियार शाहानी को भी कहेंगे वेलकम। और ये फैसल परवेज के बैट से 4 रन चाहे, फैसल पहुंचे 14 पर, सिंध वारी 76 पर, इसी के साथ 8वां ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। उसके बाद मेरे साथ हैं मोहसिन अली भैया, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी कहेंगे मोहसिन अली भैया वेलकम। जहांगीर किंग कह रहे हैं पंजाब से हूँ, यहाँ कल से बारिश हो रही है, अब कुछ खाने वाले से एक दोस्त और भी थे कुछ देर पहले हमारे साथ शाहिद भाई, वहाँ वो भी कह रहे थे कि बारिश हो रही है, आप भी कह रहे हैं बारिश हो रही है, तो इन्जॉय करें, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी है पिछले 2 दिनों से। जूजू कह रहे हैं थैंक यू, उसके बाद नाइस गुड कमेंट्री, शुक्रिया जहांगीर भाई, ये मोहब्बत है आप दोस्तों की, शेयरिंग को मत रोकें दोस्तों। 335 आई थिंक इससे पहले भी 335 थे, चले 400 तक कोशिश करेंगे पहुंचने की 9वें ओवर या 9वें ओवर के अख्ताम तक, क्योंकि अगर 10वें ओवर तक हम जाएंगे तो 1000 तक नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। ज़्यादा से शेयर करें, जो नए दोस्त मेरे साथ जुड़ें, सर्दी इतनी ज़्यादा है कि आप, मैं अगर मास्क टाइप का वो पहनता हूँ तो आपको आवाज़ पता नहीं पहुँच पाए या नहीं, लेकिन मुझे पहनना होगा। आप दोस्तों आवाज़ आ रही है आपको, क्योंकि सर्दी हद से ज़्यादा, और मैं हवा की डायरेक्शन में ही बैठा हूँ। मनोज आए बॉलिंग के मोर्चे पर, वाइड बॉल, दोस्तों आवाज़ आ रही है, आवाज़ अब सही है आपको, क्योंकि अगर मैं इसको उतारता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे सर्दी लगेगी। और वाइड किसी एक्स्ट्रा रन के साथ सिंध वॉरियर पहुंचे 77 पर, मनोज एक बार फिर, इस बार आई थिंक दूसरे रन के लिए भागे हैं ओवर थ्रो। सेवेंटी नाइन
सिर्फ कुंडली प्रेस कर लेंगे, मैं पार्टनर हूँ या नहीं, इमरान खलील कुछ कह रहे हैं, इनको भी कहेंगे वेलकम। इमरान भाई आप शेयर करें, शेयर करें, 400 तक लेकर जाएं। अच्छी गेंद। तो इमरान खलील मैं कोशिश, जी आवाज आ रही है, ठीक है जी, फिर मैं ये पहन के ही रखूँ। हाँ सही है, अच्छे भाई, ओ अच्छे पे आवाज़। मोहसिन अली बजीर कह रहे हैं, हैदर पठान भाई आपने शेयर नहीं किया। इम्तियाज अली कह रहे हैं, जी आवाज़ आ रही है, थैंक यू। एक्स्ट्रा का एक और रन मिलेगा वाइड की सूरत में, इस एक रन के साथ 80। मनोज सोनी का बॉलर हुआ, जियो लाहौती कह रहे हैं, मनोज यार काफी पुराने बॉलर है। एक रन का मजीद इजाफा। अब दोस्त शेयर नहीं कर रहे हैं, मेरे पास शो नहीं हो रहे, 335 ही शो हो रहे हैं, 81 पर पहुंच चुकी है सिंधु वारियर। दोस्तों कोई दोस्त शेयर करके लिखे, डन करे, क्योंकि रुका हुआ है या क्या सीन है, या कर नहीं रहे आप दोस्त। एक बार फिर मनोज करेंगे गेंद, वाइड की सूरत में एक और रन। यार मुझे लगता है मेरे पास शो नहीं हो रहे, इन्होंने वापिस से शेयर किया आई थिंक उजैर भाई ने, लेकिन अभी न्यू शेयर किन किन दोस्तों ने किया है, क्योंकि 335 से ज्यादा शो नहीं हो रहे। आपके पास कितने शो हो रहे हैं इस बार? डॉट बॉल। आप जैसे लोगों की वजह से क्रिकेट और प्लेयर्स प्रमोट होते हैं, असल प्लेयर आप हो भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया जहांगीर भाई, ये मोहब्बत है आपकी। पंजाब से स्वतः हमें देख रहे हैं, उम्मीद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फरहान असगर कुछ कह रहे हैं, एक रन का मजीद इजाफा, सिंध वारियर 83 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा आपके पास 355 शो हो रहे हैं, फिर मेरे पास इशू है, एक मिनट मैं रिफ्रेश करूं अपने इसको। मेरे पास 325 35 शो हो रहे थे। इस बार खेला है इम्तियाज ने, एक रन से मिलेगा, और इसी के साथ 9वां ओवर पहुंचा अपने अख्तिताम को। चौरासी 2 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर जाएंगे फेसबुक की जानिब दोस्तों ने। जी हाँ 357 हो चुके हैं, शुक्रिया दोस्तों। अब मेरे पास शो हुए हैं, मैंने कोशिश की थी कि 400 तक दोस्त पहुंचा दें, चले उम्मीद करेंगे कि 10वें ओवर तक हम 450 तक पहुंच जाएंगे। जारिन जानी फरहान सागर है असगर नहीं, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, माजरत, आप एक साथ नाम लिखा होता तो फरहान सागर को कहेंगे वेलकम, और उम्मीद करेंगे फरहान सागर ने शेयर किया और मजीद शेयर करेंगे। 357 पे दोस्तों मैं छोड़ रहा हूँ, मैं उम्मीद करूँगा चलो 500 तक तो खैर मुश्किल हो जाएगा, इस आवर के बाद अगर 500 कर दें तो थैंक यू, 450 तक ज़रूर लेके जाएं। आवर के दरमियान में आपको शेयरिंग का नहीं कहूँगा, 450 तक शेयर दीजिएगा 10वें ओवर के अख्ताम पर। ताहिर कपरी है बॉलर, इस बार खेल दिया है, कैच ड्रॉप हुआ है फैसल का, सलमान कैम खानी जहां 2 कैच किए, इस बार सलमान से एक कैच ड्रॉप भी हुआ है।
तो उम्मीद करेंगे कि इस ओवर के अख्ताम तक हम 450 शेयर तक पहुंच जाएंगे। 200 डन जरूर कीजिएगा, जितने भी ग्रुपों में शेयर करें, एक में करें, 10 में करें, 30 में करें या 50 में करें। इस बार खेला है एक रन का मजीद इजाफा, खेल दिया इस बार एक रन का मजीद इजाफा। इस एक रन के साथ 88। सर्दी यार बहुत ज्यादा है, यकीन माने बैठा भी मैं हवा की जानी हूं, आवाज भी नहीं निकल रही यार। इस बार खेला है 4 रन के लिए इम्तियाज बतीर, 4 रन के इजाफे के साथ इम्तियाज पहुंचे हैं 32 पर। सिंध वारियर पहुंची है 92 पर, 20 ग्रुपों में शेयर किया है। मुशाहिद बजीर ने 450 कह रहे हैं, चलें देखते हैं, ओवर के बाद ही चेक करेंगे कितने हुए। आखिरी गेंद कराएंगे ताहिर अपने ओवर की। इसी के साथ 10वां ओवर अपने अख्ताम को पहुंचा, स्कोर है 93। दोस्तों मैं थोड़ा जैकेट सही से पहन के फिर चेक करूंगा, उम्मीद करूंगा तब तक आप और शेयर कर देंगे। 450 का मैंने टारगेट दिया था आपको 10वें ओवर तक, थोड़ा सा और टाइम है आप तक, जब तक स्टार्ट नहीं होता, सर्दी बहुत ज्यादा है। वेलकम बैक दोस्तों, मनोज आए बॉलिंग पर। कैच ड्रॉप हुआ, एक और कैच ड्रॉप हुआ है, खुर्शीद कपरी थे इस बार फील्डर। इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर चुका है 94। इस बार इम्तियाज ने खेला है डॉट बॉल। चलिए शुक्रिया दोस्तों, 451 तक आप लोगों ने शेयर किया है, आई लव यू, थैंक यू। अभी भी 10 ओवर हैं, 550 शेयर आई थिंक हम हासिल कर लेंगे, 1000 तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमारे साथ आए हैं गुलाम अकबर रिंद आए हैं, गालिब रोय आए हैं, रामचंद खान गोलू आए हैं। यार पता नहीं, हमारा तो उस्ताद है और भाई है जियो, अच्छा जी जियो लाहौती के बाद हमारे साथ उमेर प्रिंस चांडी मेरे भाई को कहेंगे वेलकम। वो उम्मीद करेंगे ये भी एक से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करेंगे। मनोज हैदराबाद में काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त अपना पहला मैच खेला था, आई थिंक 29 स्कोर बनाए थे लेकिन बदकिस्मती से वो मैच जीत नहीं सके थे। रहमान खान गोलू कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम गालिब रोए, बिल्कुल जी वेलकम कर दिया मैंने आपको। इस बार अच्छी गेंद थी, आवाज दोस्तों आ रही है। इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर हो चुका है 95 सॉरी। रहमान खान गोलू को कहेंगे अर्सना, बिल्कुल जी आप क्रिकेट खेलते हैं अच्छी बात है, बिल्कुल सर्दी आ है अदा। गुलाम अकबर रिंद पूछ रहे हैं, एक रन का मजीद इजाफा फैसल के बेट से, फैसल पहुंचे 19 पर, सिंध वारियर पहुंचे 96 पर।
दिस। मनोज एक बार फिर गेंद करेंगे, सामना करेंगे इम्तियाज, इस बार अच्छी गेंद। बिल्कुल आधा सर्दी आए उनका, वो कहाँ कर रहे हो भाई, बताओ कहाँ से हो भाई। इस वक्त कुंडरी में यह मैच जा रही है, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट सिंध में हैदर शाह ग्राउंड में। मैथ्यू मती को भी कहेंगे वेलकम, सुरेश कुमार को भी कहेंगे वेलकम, और उम्मीद करेंगे जो जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पुराने दोस्तों बेचारों ने काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग कर दी है। आप दोस्त भी अगर आप लोगों को ब्रॉडकास्टिंग पसंद आ रही है तो ज़्यादा शेयर करें। 451 पर हमने छोड़ा था इस ओवर से पहले, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सर्दी काफी ज्यादा है आज। चार सौ छप्पन किए हैं दोस्तों, ज्यादा शेयर करें, अगर ऐसा रहा तो 9 ओवर में कहां 1000 तक पहुंच पाएंगे। कोई मेरा दोस्त जो 30 से ज़्यादा शेयर करके यहाँ पर मुझे मेंशन करे, या 10 शेयर करें, चले 10-10 वाले भी आ जाएं। यू क्रिकेट लव यू जी, आवाज़ आ रही है और आपको सर्दी लग रही है, बिल्कुल लग रही है यार, मैं हवा के सामने हूँ इम्तियाज़ अली भाई। धूप बिल्कुल भी नहीं है ग्राउंड में, लेकिन मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है। मोहरम चांदी हो आए हैं, अंपायरिंग के फर्ज अंजाम दे रहे हैं अली हैदर शाह की जगह। अच्छा जी, अब मेरे किस दोस्त ने शेयर किया है, तारक भाई कुछ कह रहे हैं, राइन स्पोर्ट्स के ये ऑनर है और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, क्रिकेट में इससे पहले मेरा इनसे वास्ता है तो इनको वेलकम कहेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, दोस्तों को बनाने वाले बिगाड़ने वाले नहीं है तो इनको वेलकम कहेंगे। ताहिर एक बार फिर आए बॉलिंग के लिए, चार रन का मजीद इजाफा। बहुत ही जबरदस्त कह रहे हैं फैसल परवेज, 4 रन के साथ फैसल पहुंचे 23 पर और इसी के साथ 100 रन मुकम्मल हो चुके हैं। ओ भाई क्या हो गया, इस बार खेला है, इस बार खेल लिया फैसल ने 6 रन के लिए। क्या ही खूबसूरत बल्लेबाजी जारी है फैसल परवेज की। इस बार फिर फैसल ने खेल लिया है 4 रन के लिए, खूबसूरत बल्लेबाजी जा रही है फैसल की। बहुत ही जबरदस्त, क्या खूबसूरत खेल रहे हैं सिंध वॉरियर्स के साथ, पहुंच चुकी है 95 पर। नो बॉल पर इससे पहले चौका लगाया था, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए।
एक रन का इजाफा। दोस्तों मैं माजत हुआ, मेरा मोबाइल गिरा था बीच में आप दोस्तों से, इसलिए थोड़ा सा मैं कट चुका था। इस बार इम्तियाज ने खेल दिया है, सलमान केके की बढ़िया फील्डिंग, एक रन का इजाफा। इस एक रन के साथ स्कोर 114। आखिरी गेंद करवाएंगे ताहिर, और इस बार अच्छी गेंद, लेकिन 19 रन है इस ओवर में, काफी जबरदस्त ओवर रहा ये सिंध वॉरियर के लिए। अब मैं कमेंट्स की जानिब जाऊंगा, बारह ओवर के अख्ताम पर स्कोर है 114। बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप इस वक्त जारी है। पचास गेंदों पर 79 रन की पार्टनरशिप बनाई है, जबरदस्त। अच्छा जी, मासूम अली ने 18 ग्रुप में शेयर किया है, और उसके बाद मेरे साथ हैं, शुक्रिया भाई शुक्रिया, एम अरशद कैम खानी करी, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट हमारे लिए और बेहतरीन नेट कवरेज, थैंक यू भाई। गुल अकबर रन कह रहे हैं माशाल्लाह, नॉकआउट कहे इम्तियाज, बिल्कुल नॉकआउट कहे इम्तियाज वजीद। गालिब रॉय कह रहे हैं टीम के कितने मैचेज हैं, हर टीम 5 मैच खेलेगी। मोहम्मद फालिम कह रहे हैं राजा अंदर ने कितने बनाए, राजा अंदर अब तक बल्लेबाजी पर नहीं आए फाइम भाई। तो दोस्तों 498 शेयर हो चुके हैं, और इस ओवर के बाद देखेंगे कहाँ तक जाता है। अमानत अली एक बार फिर आए, सामना करेंगे इम्तियाज, 35 पर खेल रहे हैं, 79 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है बहुत ही, कल भी एक 100 रन की पार्टनरशिप लगी थी, अब देखें आज लगती है या नहीं। अमानत एक बार फिर, इस बार अमानत किस गेंद को खेल दिया, फील्डर मौजूद है नीचे, जी हाँ कैच कर लिया, और इसी के साथ इम्तियाज की इनिंग का आगाज हुआ। इम्तियाज ने 26 गेंदों पर 35 रन बनाए हैं, रसूल बख्श ने आई थिंक जी हाँ कैच किया है, देखते हैं कि कितने रन पर आउट हुए हैं, जी हाँ 27 गेंदों पर 35 रन बनाए, 2 छक्के 2 चौके लगाए इन्होंने, 13 गेंदे डॉट्स के नहीं, 13 ही सिंगल्स नहीं है, 1 डबल लिया, तो अच्छे बल्लेबाजी इम्तियाज की। अच्छा जी, कमेंट्स में हमारे साथ अब आए सलाफ शाह, कल किसका मैच है, इसके बाद मैच है जैन स्पोर्ट्स और अहमद लाइन्स के माबेन। दोस्तों 498 पे शेयरिंग को रोक दिया है, मजीद शेयर करें। जिन दोस्तों के अगर कमर्स रह गए हो सर्दी के मामलात की वजह से, मोबाइल भी एक दो बार गिरा है, तो थोड़े से मैं माजत खाऊं, तो वापस कमेंट कर दिया करें अगर किसी का। अब आए नए बल्लेबाज उसामा इकबाल, उसामा इकबाल इस बार अपील जारी है, अंपायर का इशारा नो बॉल। अच्छा जी 500, आज 2 मैच है, बिल्कुल जी मुशाद वजीद कह रहे हैं 536, यार मैं देखता हूँ जाके कितने ये, बिल्कुल जी मेरे भाई अमजद खान ने 50 शेयर कर दिए, थैंक यू, लव यू लव यू, गुड ग्राउंड एंड क्रिकेट, और जितने मुशाहिद भाई अमजद भाई जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों का शुक्रिया जो शेयरिंग करते हैं, लव यू तमाम दोस्तों का। ओवर के बाद मैं देखूंगा कितने हुए, इस बार खेल दिया है 6 रन के लिए, उसामा इकबाल का बढ़िया छक्का, खाता खोला है 6 रन के साथ उसामा ने, उसामा पहुंचे 6 पर और 120 पर पहुंची है सिंध वॉरियर। अमजद खान को कहेंगे वेलकम, इब्राहिम लाइन्स के ऑनर्स में से हैं ये, और इनकी टीम पहले एक मैच जीत चुकी है और मेरा भरपूर साथ देते हैं, जितना होता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, और अब भी कह रहे हैं मैंने 50, बिल्कुल जी 50 में शेयर किया होगा। ओवर के बाद देखेंगे कहां तक शेयरिंग पहुंची है,
अभी 3 गेंदे हैं दोस्तों, सब ग्रुपों में शेयर कर दिया है 40। ओए लव यू मेरे भाई, इस बार खेला है, एक रन का मजीद इजाफा। तो मोहम्मद फहीम खालिद, मोहम्मद फहीम खालिद ने 40 से 50 ग्रुपों में शेयर किया। थैंक यू फहीम भाई, थैंक यू भाई, मैं हमेशा रिक्वेस्ट भी करता हूँ फहीम भाई से, और फहीम भाई करते हैं। कामिल बलोच को हम कहेंगे वेलकम, मेरे प्यारे दोस्त। बहुत सर्दी है कामिल भाई आज। वाइट बॉल के एक इस एक रन के साथ इसको 122। ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई, थैंक यू। 2 गेंदे, 2 के बाद। अच्छा जी, फहीम खालिद ने भी 40 से 50 ग्रुपों में शेयर किया, अमजद भाई ने भी किया है, दोनों दोस्तों, और बाकी मुशाहिद बजीर, इरफान आरई, जितने भी दोस्त हैं, नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और वो बिल्कुल डन करके लिखते जाए, मैं नाम में बिल्कुल कोशिश करता हूँ तमाम दोस्तों का लूँ। और एक और वाइड बॉल 123। तो ये तमाम दोस्त जब मिलकर मोहब्बत का इजहार करते हैं तो ही जाके हमारा टारगेट हम अचीव कर पाते हैं। लव यू तमाम दोस्तों का, लव यू तमाम दोस्तों को। अभी भी 2 गेंदे हैं, देखते हैं कि क्या सरप्राइज दिया है। आई थिंक मैंने जब छोड़ा था 498 शेयर थे, तो 2 गेंदों के बाद मैं जाके देखूंगा कितने हुए हैं। 2 गेंदों के बाद, सॉरी, इस बार एक और वाइट बॉल। चले जी, शेयरिंग का टाइम मेरे दोस्तों को मिल रहा है। अच्छा जी, आसिफ बलोच भाई को भी कहेंगे वेलकम, कह रहे हैं माशाल्लाह ग्रेट रिकवरी। तो हैदर शाह के साथ आसिफ बलोच भी भरपूर है, और इन्होंने अंपायरिंग के फरज अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद इनको भी कहेंगे वेलकम, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन दोस्त आसिफ बलोच। जी हाँ, एक और लगातार 4 वाइटें करवा दी हैं। इम्तियाज आजियान इम्तियाज कह रहे हैं, इम्तियाज मामू ने कितने स्कोर बनाए? उन्होंने स्कोर बनाए हैं, आप चेक करें बैटिंग स्कोर कार्ड। दोस्तों 2 गेंदे अब भी हैं, इम्तियाज ने 35 बनाए, सॉरी जी हाँ 35 ही बनाए हैं। जबरदस्त, इसमें से 5 लगातार वाइटें करवा दी हैं। इस बार बैटों पे टकराई है, अंपायर का इशारा देखना होगा, लेग बाय का एक रन। अब एक गेंद अभी भी बाकी है, फिर जाके शेयर चेक करूंगा। 694 लिख तो रहे हैं, लेकिन थैंक यू, फिर भी देखूंगा, देखकर जरूर। एक गेंद अभी बाकी है दोस्तों, शेयर करते जाएं। इस बार फिर बड़ी हिट की जानिब जाना चाह रहे थे, लेकिन डॉट बॉल, और इनका ये एक्स्ट्रा से भरपूर ओवर अपने अख्ताम पर पहुंचा। 6 वाइड्स की इस ओवर में, सॉरी 5 वाइड्स फेंकी। अच्छा जी, और अब मेरे कौन से दोस्त आए हैं? मैंने 50 ग्रुपों में शेयर कर दिया। चले जी, अब मैं जाकर देखता हूँ कितने ग्रुपों में ओवरऑल शेयर हुआ है। ये मैं, मुझे बैक जाना पड़ता है, तो कमेंट्स भी आगे पीछे कहीं हो ना जाए। तो शुक्रिया, लव यू दोस्तों। 498 पे मैंने छोड़ा था, 725 शेयर हो चुके हैं। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, तमाम दोस्तों का। उनमें अमजद खान है, और गालिब रॉय हैं, मुशाहिद बजीर हैं, उसके बाद मेरे साथी फहीम खालत थे, और जिन दोस्तों का नाम नहीं लिया डन में लिखे मुझे करें, क्योंकि 725 शेयर किए हैं, तो तमाम दोस्तों की ये मोहब्बत मोहब्बत है। हसैन इम्तियाज़ ने भी कर दिया शेयर, शुक्रिया। इनके वालदे मोहतरम थे इम्तियाज़ मामू, जिन्होंने 35 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली है। अब जो नए आए हैं, आई थिंक बॉलर हमारे पास इंजमाम कपरी हैं, इंजमाम कपरी तो 725 तक दोस्तों ने पहुंचाया, ये इनकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। अब देखते हैं, 4 रन के लिए फैसल परवेज इन 4 रन के साथ पहुंचे हैं 39 पर।
जबरदस्त कह रहे हैं फैसल परवेज। एक सौ तीस तक पहुंच गई है सिंधु आर्य, 13 और 10 की फी रन फी औसत से खेल रहे हैं। इस बार खेला है, एक रन से मिलेगा इसे, एक रन के साथ फैसल 40 पर पहुंचे, सिंधु आर्य पहुंचे 131। इंजमाम एक बार फिर गेंद करेंगे, सामना करेंगे इस बार उसामा इकबाल। ये लंबी हिट की तरफ जा रहे हैं हर गेंद पर, ठॉड बॉल। गालिब रॉय कह रहे हैं लव यू, यार मेरे पास कमेंट्स काफी ऊपर नीचे हो रहे हैं तो माजरत। और उसके बाद हमारे साथ हैं गालिब रॉय के बाद हैं इनामुल हक खास के लिए, इनको भी वेलकम कहेंगे। असद भाई आपके लिए फूल भेजा शायद बशीर ने, थैंक यू। एक जबरदस्त इंसान, जबरदस्त क्रिकेटर है शायद भाई भी, खामोश तबीयत के मालिक हैं, इनको कहेंगे वेलकम। उम्मीद करते हैं शायद भाई ने भी जरूर शेयर किया होगा। जी हाँ बिल्कुल, इनामुल हक भी कह रहे हैं शेयर कर दिया, तमाम दोस्तों का शुक्रिया शुक्रिया। ओवर कोट तारा चंद का आज मैच है, रामचंद का मैच है, इसके बाद इम्तियाज अली भी रामचंद का मैच है, एमएल लाइंस का हिस्सा है रामचंद। दो गेंदों का खेल अब भी बाकी है इंजमाम के इस ओवर की। आवाज दोस्तों सही आ रही है, आवाज में खलल तो नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इस बार खेल दिया है 4 रन के लिए। जी हाँ 4 रन के इजाफे के साथ फैसल पहुंचे हैं 44 पर, 136 पर सिंधु वारियर। फैसल जहाँ पहले मैच में खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे और लेकिन आज अपने बैट से जवाब दे रहे हैं। अली जट कह रहे हैं शेयर कर दिया 20 रुपये में, शुक्रिया अली जट भाई, शुक्रिया अली जट। नवी सर से हमें देख रहे हैं, इनको भी कहेंगे वेलकम, ये मोहब्बत है दोस्तों की, 20 रुपये में मजीद शेयर कर दिया अली जट ने। और उसके बाद मेरे पास हैं इनामुल्ला खास कर, जी बिल्कुल इम्तियाज अली कह रहे हैं थैंक्स असद भाई, सही है आ रही है बात, शुक्रिया। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, चौदह ओवर के अख्ताम पर स्कोर है 137 तीन विकेटों के नुकसान पर। दोस्तों अभी कितने ओवर बकाए हैं, बाकी 6 ओवर से 733 हुए, तो उम्मीद करता हूँ कि हम 6 ओवर के अख्ताम पर 1000 शेयर तक पहुँच जाएंगे, 1K तक पहुँच जाएंगे। तो अब ज़्यादा नहीं कहूँगा दोस्तों, गाहे बगाए जो जो दोस्त जुटते जाएँ वो शेयर करते जाएँ। अब तक बहुत ही ज़बरदस्त मोहब्बत का इजहार किया है मेरे तमाम दोस्तों ने मेरे के लिए लिए, अब ज़बरदस्त मैच जारी है 137 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब अली जट आए हैं अपने कोटे का आई थिंक तीसरा ओवर लेके आए हैं, जी हाँ चौथा ओवर लेकर आए हैं अली जट, आखिरी ओवर करवाएंगे अपने कोटे का और इनिंग का 15 ओवर करवाएंगे अली जट, इनका सामना करेंगे उसामा इकबाल। गालिब रॉय मेरी क्रिकेट से बड़ा शौक है, मैं भी ऑलराउंडर हूँ, ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे आपकी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस में। इनाम वाला खास कर के जी एम के कौन से प्लेयर है, अली जट के जी एम के काफ़ी प्लेयर्स हैं के जी एम के, अली जट बिलाल जट भी मौजूद है इसी टीम में है। एक रन का इजाफा, इस एक रन के इजाफे के साथ 138 तीन विकेटों के नुकसान पर। अली जट केजीएम वाला, बिल्कुल जी अली जट केजीएम वाले हैं और इनके भाई हैं जिन इनसे पहले वाले मैच में जबरदस्त खेल पेश किया था,
50 रन हमने कंप्लीट किए थे, वो भी इसी टीम का हिस्सा है। सुपल गंदरी का बहुत ही तेज बल्लेबाजी करते हैं अली जाट। एक बार फिर सामना करेंगे फैसल। फैसल ने इस बार खेला है एक रन के लिए, फैसल पहुंचे 45 पर, सिंध वॉरियर 139। इस बार खेला है उसामा ने, लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया, एक रन का मजीद हवा। उसामा पहुंचे 10 पर, 140 पर सिंध वॉरियर। अगर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो पाकिस्तान ने दो मैच जीतकर दो ही मैच खेले और पॉइंट्स टेबल पर सारे फेरे से और क्वालिफाई कर गई है क्वार्टर फाइनल के लिए। इस बार अली जट की इस गेंद को खेला है फैसल ने एक रन के लिए, फैसल 46 पर पहुंच चुके हैं, चार रन चाहिए हाफ सेंचुरी के लिए। तो क्वार्टर फाइनल के लिए पाकिस्तान अंडर 19 क्वालिफाई कर गई है, उनके पूल में अभी जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और पीएनजी भी हैं, तो दो टीमें जो क्वालिफाई करेंगी उन्हें पाकिस्तान। तो तमाम दोस्तों को मुबारकबाद, पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गई है क्वार्टर फाइनल राउंड में। अली जट सेकंड लास्ट गेंद करवाएंगे अपने ओवर की, इस बार डॉट बॉल। खेमचंद कह रहे नाइस अली जट, इस्माइल राहत कह रहे एवरीथिंग बेस्ट मगर अंपायर को किट में, बिल्कुल जी सेकंड मैच में इंशाल्लाह आपको अंपायर किट में नजर आएंगे। और इसी के साथ अली जट का और अपने खत्म को पहुंचे, इस ओवर में अली जट ने चार रन दिए और अपने इस कोटे के चार ओवर में अली जट ने रन दिए हैं, ये भी देखेंगे हम। अली जट ने चार ओवर में रन दिए, 30 विकेट नहीं ले पाए। अमारत अली ने चार ओवर में तीन विकेट हासिल किए अमारत ने और 36 रन दिए, तो अच्छी बॉलिंग की है अमानत ने। वहीं इंजमाम कपरी ने एक ओवर में 11 रन दिए और मनोज ने दो ओवर में 10 रन दिए, परवेज लारा ने एक ओवर में 16 दिए, ताहिर कपनी ने तीन ओवर में 36 रन दिए। तो सबसे ज़्यादा जो महंगे साबित हुए हैं वो ताहिर कपरी और इंजमाम कपरी साबित हुए हैं, और यही अमानत अली की तारीफ करना होगी। आसिफ को और इमरान लियाकत को भी आउट इन्होंने किया है तो अमानत अली ने। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो इमरान लियाकत के बाद जो तीसरी विकेट भी हासिल की है, मनोज करेंगे गेंद, अली जट भाई हमारे गांव के हैं ये कह रहे हैं खेमचंद, तो उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी आपके गांव के दोस्त देख सकें अली जट को खेलते हुए। और इसके बाद आपको बिलाल जट की जो धुआंधार अंदाज है बैटिंग का वो भी नजर आएगा। एक रन के लिए खेला है इस बार फैसल ने, फैसल पहुंच गए हैं 47 पर। मनोज की इस गेंद को खेला है उसामा ने एक रन के लिए, दो रन ले लिए, जी हाँ फंबल का भरपूर फायदा उठाया और यही ओवर थ्रो पर तीसरा रन लेना चाह रहे थे, मना किया उसामा ने।
और 2 रन के साथ 144। तीन विकेटों के नुकसान पर। इस बार ओसामा ने खेला है, 1 रन का मजीद इजाफा। मनोज एक बार फिर, इस मनोज किस गेंद को खेला है, 1 रन का मजीद इजाफा। नहीं है, 48 है यार, तो रन चाहिए। ओसामा को, ओसामा ने खेला है इस बार 1 रन के लिए। इस 1 रन के इजाफे के साथ 147, 16 ओवर के अख्तिताम पर। दोस्तों 740 शेयर हो चुके हैं, चलें अभी 4 ओवर हैं तो कोशिश करें, उम्मीद करेंगे कि 17 ओवर के अख्तिताम तक हम 850 तक पहुंच जाएं, 850 तक कोशिश करें दोस्तों। जबरदस्त मैच इस वक्त जारी है सिंध वॉरियर और सुपर कलंदरी के माबेन। अब देखते हैं कि अगले ओवर में, जिया परवेज लारा आई थिंक आ रहे हैं। परवेज लारा करेंगे गेंद और इनका सामना करेंगे इस पर ओसामा इकबाल। दोस्तों वीडियो को शेयर करते जाएं, परवेज लारा की इस गेंद को पहले मारना चाह रहे थे, फिर रोकर खेला, नो बॉल का इशारा। फ्री हिट मिली है ओसामा इकबाल को, देखे फायदा उठा पाते हैं या नहीं। दोस्तों शेयरिंग करते हैं जो तमाम दोस्त, परवेज लारा डॉट गेन और फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट का। लालचंद कुमार गोयल को भी कहेंगे वेलकम, लालचंद कुमार गोयल भाई वीडियो को शेयर करें। और इस बार खेला है स्ट्रेट ड्राइव ओसामा इकबाल के बैट से 4 रन, ओसामा पहुंचे 18 पर, सिंध वॉरियर 152। लालचंद के बाद हमारे साथ हैं अल्लाह रखियो मलकानी, हमें देख रहे हैं, मुराद भाई आया है, नहीं जी मुराद भाई नहीं आए, इनको भी कहेंगे वेलकम। क्रॉस खेल रहा है बहुत फहीम खालिद कह रहे हैं, उनके बाद हमारे साथ हैं कवल मंठरानी, इनको भी कहेंगे वेलकम। सीधा खेलता तो लग जाएगा मोहम्मद फहीम खालिद का कहना है, बिल्कुल जी इस बार सीधा खेला था, एक बार फिर इस बार 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के इजाफे के साथ ओसामा पहुंचे 19 पर, सिंध वॉरियर 153। मोहम्मद यासिर को भी कहेंगे वालेकुम सलाम। दोस्तों शेयरिंग करते रहें, चले मैं 18 ओवर के बाद हम चेक करेंगे कितने शेयर हुए, 18 ओवर तक मैं नहीं चेक करूंगा,
तो कोशिश करूंगा कि 18 ओवर तक देखें कितने शेर अब हमें देते हैं। 9 गेंदें अब भी बाकी हैं। मोहम्मद यासर के बाद हम वेलकम करेंगे खेमचंद, के बाद सजावल बलोच भी हमें देख रहे हैं, सजावल बलोच को वेलकम करेंगे इस 1 रन के साथ। 49 रन पर खेल रहे हैं इस वक्त फैसल परवेज। इस बार डॉट बॉल, सजावल बलोच इस वक्त मैच जारी है, इस वक्त कुंडरी में ऋषि कुमार में हैदर शाह ग्राउंड में। उसके बाद है दोदा खान बलोच, कह रहे हैं इनको भी कहेंगे वालेकुम सलाम, वेलकम करेंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर करते जाएं, जो जो नए दोस्त आ रहे हैं वो भी वीडियो को शेयर करें। इस बार उसामा ने खेला है 6 रन के लिए। जी हाँ, क्या ही खूबसूरत छक्का मारा है उसामा इकबाल ने, और उसामा पहुंचे हैं 6 रन के साथ 25 पर 160 17 ओवर के अख्तितम पर। अब हमें ज्वाइन किया है गालिब ब्रो, काफ़ी देर से हमारे साथ हैं। इधर बहुत सर्दी है, बिल्कुल जी बहुत ज़्यादा सर्दी है इधर। आप अंपायर्स की वो कह रहे हैं कि वो कपड़े देख सकते हैं किस तरह, हवा कितनी तेज़ है, वेट कर रहे हैं हम धूप के निकलने का। मनोज को एक बार फिर लाया गया है। सम गनी समा आ चुके हैं, और मैं अब उम्मीद करूंगा कि मजीद शेयर होंगे। मैंने टारगेट आप दोस्तों को दे दिया है कि मेरे पास 1 ओवर और है आपके पास, 18 ओवर के बाद देखेंगे। 740 पे आई थिंक छोड़ा था। घमशान लगारी को भी कहेंगे वेलकम, हरीश कुमार को भी कहेंगे वेलकम। और इसी के साथ हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, फैसल परवेज ने 36 गेंदों का सामना किया और अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है फैसल परवेज ने। अगर बात की जाए फैसल परवेज की, तो फैसल परवेज ने 36 गेंदों पर 50 रन बनाए, एक छक्का लगाया, 4 चौके लगाए, 18 सिंगल्स लिए, एक डबल और 18 डॉट खेली हैं। बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं फैसल अपनी टीम सिंध वॉरियर के लिए। इस बार उसामा इकबाल थे सामने और वाइट बॉल। अच्छा जी, फहीम खालिद भाई कह रहे हैं 28 जनवरी को निकलेगी धूप। चलें उम्मीद करते हैं 28 को, लेकिन 28 में यार कितने दिन हैं, अभी 6 दिन में तो कुल्फी ना बन जाए। एक बार फिर उसामा इकबाल ने खेला है, गेंद को फील्ड किया है इंजमाम ने, लेग बाय का 1 रन से मिलेगा बस, 1 रन के साथ 163। सर्वेज सिंधी कह रहे हैं कौन सी टीम्स खेल रही हैं जी, इस लीग है कुंडरी की, इसमें उमरकोट, समारोह, जमशाबाद, नवीसर, नौकोट, चिड्डो, तमाम जबरदस्त प्लेयर इस वक्त इन एक्शन इस टूर्नामेंट में। वाइट बॉल की इस 1 रन के साथ 164। सर्वेज सिंधी के बाद हमारे साथ हैं राशिद बख्तियारी, इनको भी कहेंगे वाले, इनको वेलकम कहेंगे। किस सिटी में ये मैच हो रहा है? हरीश कुमार इस वक्त कुंडरी में मैच जा रही है, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में हैदर शाह ग्राउंड में। एक और डॉट बॉल, उसके बाद हमारे साथ हैं वेल प्लेड फैसल प्रेस, कह रहे हैं 27 जनवरी से पीएसएल शुरू कराची और मुल्तान में। जी बिल्कुल, पीएसएल का भी आगाज है। अदा बॉलिंग कार्ड दिखाओ, बॉलिंग कार्ड आप देख लें, मनोज ने 19 रन दिए हैं, बॉलिंग कार्ड बिल्कुल दिखाएंगे आपको इस गेंद के बाद। जाहिद कपरी को दिखाएंगे,
जाहिद कपरी भी इस टूर्नामेंट में हमारे साथ हैं। इस बार कैच मुश्किल जरूर था, हाथ में आया लेकिन ड्रॉप। इसी असना में 2 रन बना लिए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। फैसल पहुंचे 52 पर, टीम का मजमू स्कोर तो है 166। चलें जी बॉलिंग कार्ड देख लें इस एक गेंद के दरमियान, और आप दोस्तों के पास 3 गेंदें मजीद हैं, 3 गेंदों में शेयरिंग करें दोस्तों, शेयरिंग करते जाएं। मुशाहिद बजीर को देख रहे हैं हमें मुसलसल, इनको एक बार फिर कहेंगे वेलकम। मिट्टी की टीम से है या नहीं? सर मिट्टी के प्लेयर्स नहीं हैं, देख लिया होगा। मनोज मनोज की इस बार अच्छी गेंद, डॉट करवाई है फैसल को। बिलाल जट बिल्कुल है, बिलाल जट फील्डिंग साइड पर है, ओपनर आते हैं और 3 ओवर के बाद इन आपको नजर आएंगे इन एक्शन बल्लेबाजी करते हुए। PSL में मेरी फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक आपको और आपकी टीम को। इस बार खेला है फैसल ने, गली और पॉइंट के दरमियान में से 4 रन हासिल कर लिए हैं, 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो चुका है 170 और इसी के साथ 18 ओवर का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा। नजर खान लगारी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कहेंगे आपको। अली दोस्त उमरों को भी कहेंगे गुड बैटिंग कह रहे हैं, इनको वेलकम कहेंगे। मोहम्मद खालिद का कहना है कि 210 तक स्कोर जाएगा सिंध वारियर का। अब देखते हैं कि इनकी भविष्यवाणी कहां तक साबित होती है। नदीम आरइन कह रहे हैं डिग्री प्लेयर नहीं, डिग्री का प्लेयर्स नहीं है, ये डेली बेसिस पर मैच होते हैं तो कोशिश की गई है कि जो प्लेयर्स पहुँच सकें। तो जैमसाबाद उमरकोट के दोस्तों की तारीफ करना होगी, अली जट बिलाल जट काफ़ी सर्दी में सुबह ग्राउंड में मौजूद हैं। सलू जख्मी मेरे प्यारे दोस्त को कहेंगे वेलकम, हिस्सा है ये भी हमारा, और क्या ही खूबसूरत ये टेबल में बैटिंग करते हैं सलू जख्मी। KPL में बड़ा ज़बरदस्त खेले थे सीज़न 2 में, और इनसे उम्मीद करते हैं कि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो जो मेरे शेयरिंग फ्रेंड्स हैं उनमें ये से एक ये हैं। अभी दोस्तों 18 ओवर हो चुके हैं, बिल्कुल जी मैं जाके देखूँगा कितने शेयर हो चुके हैं। 20 ओवर का मैच है भाई, आठ सौ सात शेयर हुए हैं दोस्तों। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन दोस्तों ने शेयर किया, जिन्होंने नहीं शेयर किया उनका भी शुक्रिया। राना अदनान मेरे भाई आ चुके हैं, इनको कहेंगे वालेकुम अस्सलाम। इस बार खेला है परवेज लारा को, नो बॉल पर छक्का लगाया है परवेज लारा को, नो बॉल पर छक्का लगाया है उसामा इकबाल ने। और इन 6 रन के साथ उसामा पहुंचे 31 पर। राना अदनान भाई आप भी वीडियो को शेयर करें, स्ट्रीम अच्छी है नदीम आरई, अगर आपको स्ट्रीम अच्छी लग रही तो उम्मीद करेंगे आप वीडियो को ज़्यादा से शेयर करेंगे ताकि डिग्री के दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। अली दोस्त सुमरो कह रहे हैं 195। अब देखें फहीम खालिद की भविष्यवाणी सही साबित होती है या अली दोस्त सुमरो की, उन्होंने कहा है 210 और ये कह रहे हैं 195। तो दोस्त बताएं 12 गेंदें अब भी बाकी हैं, क्या लगता है कहाँ तक जाएगा स्कोर जिस तरह खेल रही है सिंध वॉरियर्स? इस बार खेला है उसामा ने, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, अली जट से मिसफील्ड हुई है, 4 रन बनेंगे। 4 रन के साथ उसामा पहुंचे 35 पर, सिंध वॉरियर पहुंची है 181 पर। राणा अदनान का कहना है 205, पंजाब से मुझे देखने राणा अदनान, और उम्मीद करूंगा राणा अदनान ज्यादा शेयर करेंगे। वहीद बबलू को कहेंगे वेलकम, वहीद बबलू जबरदस्त सीनियर क्रिकेटर हैं कुंडरी के। इस बार खेल दिया है स्ट्रेट पर, फील्डर मौजूद है, मनोज सोनी ने जबरदस्त कैच पकड़ा है, और इसी के साथ उसामा की जबरदस्त इनिंग का इख्तिताम हुआ 35 रन पर, 22 गेंदों का इन्होंने सामना किया, काफी जबरदस्त खेल रहे थे उसामा, और कैच किया है मनोज कुमार ने।
आसपास। शुक्रिया वहीद बबलू। और इसी के साथ चौथी विकेट गिर चुकी है सिंध वारियर की। सर्दी कैसे है वहीद बबलू? हाँ, कल अराई बादशाह इन एक्शन होगी। अराई बादशाह किसके साथ मैच है? जिना और अराई बादशाह का मैच है वहीद बबलू का। तो दोस्तों एक अच्छा मैच देखने को, राशिद खान ए प्लस प्लेयर है इनका, सिजावल बलोच फिक्स है। अब आए हैं वाइड बॉल, राजा जॉनसन आए हैं। राजा जॉनसन नाना स्ट्राइक पर मौजूद है। पर एक रन लिया है अंपायर का, अचानक नॉट आउट और ओवर थ्रो के 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, नहीं जी, रोक लिया पांव के साथ। 2 रन मिलेंगे। जी हाँ, 2 रन के इजाफे के साथ उसको। एक सौ चौरासी स्कोर है। एक सौ पिचासी आप सामना करेंगे राजा जॉनसन। 2 गेंदें अब भी बाकी हैं। 800 शेयर्स पे हमने छोड़ा था और अब देखेंगे कि 1K तक मेरे दोस्त पहुंचाते हैं या नहीं। और एक बात आपको और बताते चलें कि इस दूसरी इनिंग फौरन से स्टार्ट कर दी जाएगी क्योंकि इसके बाद दूसरा मैच भी है। तो इंतजामिया की जानिब से ऐलान किया गया कि जो फील्डिंग साइड है वो जाते ही अपने ओपनर भेजेगी। अच्छा जी, हनान कह रहे हैं 200 से ज़्यादा, बिल्कुल देखते हैं। मनोज सोनी मिट्टी वारो, नहीं जी, मनोज सोनी कुंडी वाले हैं। हरीश कुमार कह रहे हैं कन्फर्म 208। साहिल एजी कह रहे हैं इंटरनेशनल जैस जानी है, टीम जाना है, हेल्प मी। समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। इस बार फैसल ने खेला है आगे बढ़कर। 1 रन मिलेगा और 2 रन के लिए भाग गए हैं। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन यहाँ विकेट देना पड़ गई है राजा जॉनसन को और राजा जॉनसन आउट हुए हैं। रसूल बख्श से फील्डर। एक सौ सत्तासी पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आखिरी ओवर का अब खेल है, देखते हैं कितने शेयर हुए हैं। जाएंगे तो 807 शेयर हुए हैं। मुझे नहीं लग रहा कि हम पहुंच पाएंगे 1K तक इस इनिंग के अख्ताम तक। 807 शेयर हुए हैं दोस्तों का शुक्रिया। 6 गेंदों का खेल अब भी बाकी है। चंदी आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। साहिल अजी भाई, मैं कैसे हेल्प करूं? अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। हनान खान कह रहे हैं कहाँ, कह रहा है इंटरनेशनल टीम में जाना है। ठीक है जी, अब मैं समझ गया हूँ। दुआ ही कर सकते हैं, मेहनत आपकी है। खुर्शीद, इंजमाम कपड़ी को लाया गया है। चंदी ने खेला इंजमाम की इस गेंद को, पॉइंट्स की जानिब से 4 रन हासिल कर लिए हैं। इस 4 रन के साथ चंदी ने अपना खाता खोला है और 191 पर पहुंची है सिंध वारियर।
इंजमाम एक बार फिर, इंजमाम को इस बार फिर लगा दिया है, फील्डर मौजूद है नीचे, पर वन बाउंस के बाद गेंद को फील्ड कर लिया मनोज ने, फंबल भी किया और दो रन के साथ 193 सिंध वॉरियर चंदी पहुंचे 6 पर। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा अगली इनिंग में भी हमारे साथ, काफी दोस्त हमसे कट जाते हैं। और इस बार खेला है, मिसफील्ड हुआ है बाउंड्री पर और 4 रन मिलेंगे 197। अब देखें 200 प्लस काफी दोस्त कह रहे थे, 3 गेंद अब भी बाकी हैं। फहीम खालिद का कहना है कि 210। और इस बार उठा दिया है गेंद को, एक जी हाँ 2 रन के लिए चंदी ने, चंदी पहुंचे 12 पर। सिंध वॉरियर 199, 1 रन चाहिए 200 के लिए, और 2 छक्के लगा लेते हैं तो बात सच साबित हो जाएगी फहीम खालिद की। डॉट बॉल आखिरी गेंद इस इनिंग की, सिंध वॉरियर 199 पर है, आखिरी गेंद पर देखें क्या करते हैं चंदी। इस बार खेला है, 2 रन बना लिए हैं, यहीं पर रन आउट भी हुए हैं चंदी, 200 रन बनाए हैं, 201 रन का दिया है टारगेट। बैटिंग और दूसरी इनिंग फौरन ही स्टार्ट होगी दोस्तों, तो जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक स्कोर कार्ड देख लें और देखें कितने शेयर्स किए हैं इस इनिंग के अख्ताम तक मेरे दोस्तों ने। यार सर्दी यार बहुत ज्यादा है, कुछ देर के लिए आपसे दोस्तों इजाजत दूंगा, आवाज नहीं सुन पाएंगे मेरी, लेकिन जुड़े रहिएगा जब तक ओपनर आते हैं, फिर आपको ज्वाइन करूंगा। 820 शेयर किए हैं, चले 180 शेयर हैं, कोशिश करेंगे कुछ ओवर्स में हम दोस्तों से करवा लें। मुशाहिद वजीर ने क्या कह रहे हैं, 214 कराची का वीज़ा घर बैठे सालों देख में जो ब्यूटी, 201 210 मिलता जुलता है, बिल्कुल कोई शक नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं, सही कह रहे हैं फहीम खालिद। तो 900 रुपये में मिलेगा अल्लाह वाला चौक पर। चले जी इन कतर का वीज़ा अप्लाई करें, सिंध वॉरियर आ रही है फील्डिंग पर। तो दोस्तों कुछ ही देर में मिलता हूँ मैं आपसे, उम्मीद करूंगा जुड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं, ओपनिंग बल्लेबाज पैड कर रहे हैं, आ रहे हैं।
ओपनिंग बैट्समैन आ जाए मैदान में जल्दी। ओपनिंग बैट्समैन जल्दी आए, वक्त कम है। ओपनर जल्दी आ जाए, 20 ओवर है और 1 मिनट बच चुका है। ओपनर जल्दी आए, वक्त बहुत कम है, जल्दी आ जाए ओपनर मैदान। जल्दी आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनिंग का आगाज होने को है। अजब बिलाल जट आए हैं। आ ले जा यार, भाई ले जा, आ भी ले जा, नहीं थे ना रख इथे, ले जा ले जा। ओ वो मेनू कहेगा इथे सारे कहे जानगे। अब बोल कौन आया बिलाल जट के साथ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनिंग का आगाज हो चुका है। 5 पर खेल रहे हैं बिलाल जट और 5 रन बनाए हैं सुपर कंदरी ने। और इसी के साथ पहला ओवर राकेश जोसेफ का पहुंचा अपने अख्ताम को। चंदी करेंगे दूसरा ओवर। जयराम थोड़ा इधर हो जाओ ना, जयराम थोड़ा सा भाई नहीं है, थोड़ा सा बस। बिलाल जट का एक और छक्का। बिलाल
फिलहाल पहुंचे इस छक्के के साथ 19 पर और टीम पहुंच एक रन के साथ 26 बिलाल पहुंचे 24 पर। बिलाल की धुआंधार बैटिंग दोस्तों जारी है। एक और छक्का बिलाल के पैड से, बिलाल पहुंचे हैं 6 रन के साथ 30 पर और सुपर कलंदरी के 33। दोस्तों 1 रन का टारगेट है और बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया खेल रही है इस वक्त बिलाल जट और खुर्शीद कपरी। इस बार खेला है 4 रन के लिए इस बार थे खुर्शीद कपरी। बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ है 32। अरे मैं थोड़ा स्कोरिंग में पीछे हो गया, सर्दी है ना। बाबू आए हैं राकेश जोसेफ, एक बार फिर बॉलिंग पर अपने कोटे का दूसरा और इनिंग का तीसरा ओवर करवाएंगे। बिलाल जट करेंगे इनका सामना, 24 पर खेल रहे हैं बिलाल जट। बिलाल जट एक बार फिर खेल दिया है 6 रन के लिए। बिलाल पहुंचे अब 30 पर। शुक्रिया सरू भाई। फिलहाल 30 पर खेल रहे हैं, खुर्शीद है 10 पर। महज 2/1 ओवर में 43 पर पहुंचा दिया सुपर कलंदरी को। इस बार खेला है डॉट बॉल। फिलहाल इससे पहले भी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं अपने पहले मैच में हसन रजा के खिलाफ। 106 गेंदों पर 158 रन चाहिए। इस बार एक और डॉट बॉल बिलाल के बैट से। अब तो रहमान शाह को हम कहेंगे खुश आमदीद, अली हैदर शाह के भाई हैं और इसके साथ साथ एक बेहतरीन शायर। बिलाल जट ने इस बार खेला है, मौजूद है कवर की जानब बिलावल रक्स, 1 रन से डॉट बॉल। इससे
पहले वाला अगर ओवर की बात की जाए तो काफी महंगा ओवर साबित हुआ है, जो था आई थिंक चंदी का। 32 रन दिए चंदी ने इस बार। एक और मिलेगा एक्स्ट्रा का रन इसे रन के इजाफे के साथ, 44 बिना कोई विकेट के नुकसान पर। दोस्तों वीडियो को शेयर करते जाएं, जो जो दोस्त जुड़ रहे हैं। प्रेम चौहान कह रहे हैं, हाय असद भाई बेस्ट ऑफ लक गाइस कह रहे हैं प्रेम चौहान। उसके बाद हाजी शुएब मेमन, आई थिंक 17 ओवर में मैच एज हो जाएगा। वरीद आलमगीर ने कुछ शेयर किया है, वो पढ़ते हैं इस बार। डॉट बॉल क्या कहना चाह रहे हैं, वादा यार की बात ना छेड़ो, ये धोखा भी खा रखा है। अच्छा जी, ये शेरो शायरी अब्दुल रहमान भाई आपकी ज्यादा समझ पाएंगे। वादा यार की बात ना छेड़ो, ये धोखा भी खा रखा है। लगता कोई लंबी चोट लगी है, गहरा जख्म है वलीद भाई के पास। अच्छा ओवर रखे जोसेफ का बिलाल के लिए। तीन ओवरों के इख्तिताम पर 44 बिना कोई विकेट खोए। अब देखते हैं कि कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो छब्बीस पर थी सिंध वारियर और 44 पर है सुपर कलंदरी। फिलहाल जट की क्या जबरदस्त बल्लेबाजी जारी है। अब देखते हैं कि इम्तियाज आए हैं, रिप्लेस किया है इन्होंने चंदी को। चंदी का और काफी खतरनाक साबित हुआ था, 32 रन दिए थे इम्तियाज बजीर। इम्तियाज मामू करेंगे गेंद और इनका अब सामना करेंगे खुर्शीद कपरी। 157 मजीद रन चाहिए 102 गेंदों पर। इम्तियाज मामू अपने कोटे का पहला इनिंग का तीसरा ओवर करवाएंगे। इस बार खुर्शीद ने खेला है पॉइंट की जानिब। ट्रॉट बॉल, अब भी मजीद 157 रन चाहिए 101 गेंदों पर। अच्छा जी, हाजी शुएब मेमन कह रहे हैं वाह वाह। एक और डॉट बॉल, थैंक यू अब्दुर्रहमान भाई। इम्तियाज गेंद करेंगे, खेल दिया है, देखना होगा 6 रन के लिए। और 6 रन के साथ खुर्शीद पहुंचे 16 पर, सुपर कलंदरी पहुंच गई है 50 पर। कमेंट्स में हमें किन दोस्तों ने ज्वाइन किया है, बिलाल घुमर कह रहे हैं कैप्टन ताजदार रंधावा कौन सी टीम है। कैप्टन ताजदार रंधावा है आई थिंक, टीम का नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन कैप्टन ताजदार रंधावा हिस्सा है इस बार। राजा जॉनसन है, लेकिन गेंद काफी पीछे है। 4 रन मिलेंगे खुर्शीद कपरे के बैट से, 20 पर पहुंच गए हैं खुर्शीद कपरी। 54 पर पहुंच चुकी है इस वक्त सिंध सुपर कलंदरी। भाई बिल्कुल है टीम, यार मेरे जहन में नहीं है, कुछ देर में बताऊंगा। अगर कोई दोस्त के जहन में हो तो जरूर लिखें। एन के मालिक को भी कहेंगे वालेकुम सलाम। इस बार डॉट बॉल, इसके बाद जो मैच है महमूद अली डाडा होंगे जैन स्पोर्ट्स की तरफ से, तो वही रामचंद होंगे उमरकोट से। अहमद लाइंस की जानिब से 1 रन का मजीद इजाफा। 2 रन, जी हाँ, थोड़ा सा फंबल हुआ जिसका भरपूर फायदा उठाया। 2 रन के इजाफे के साथ 56 बिना कोई विकेट खोए। और अच्छा जी, अदा सलाम जानजेब नवाज भी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। मुशाहिद बजीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वलीद आलमगीर कह रहे हैं लिल्ला में, बिल्कुल जी लिल्ला के ए प्लस प्लेयर है, शुक्रिया वलीद भाई, लिल्ला में है। चलें दोस्तों,
200 829 शेयर हुए हैं। उम्मीद करूंगा कि 1000 पर पहुंचा कर छोड़ दें, चलें ज़्यादा शेयर नहीं चाहिए, इस ओवर के अख्तितम पर 900 तक ले जाएं। बाबू राठौर का जो अब तक राकेश जोसफ का ओवर जारी है, कोशिश करें 900 तक शेयर्स को ले जाएं, तो 71 मज़ीद शेयर चाहिए। ओवर के बाद मैं चेक करूँगा। राकेश जोसफ इनका रियल नाम है, बाबू राठौर के नाम से मशहूर है। एक बार फिर बाबू राठौर, बिलाल जट ने उठा दिया, इस बार फील्डर मौजूद है नीचे चंदी। जी हाँ, चंदी का शानदार कैच और बिलाल की इनिंग का अख्तितम किया 30 के मजमुई इनफरादी स्कोर पर। 30 रन बनाकर आउट हुए हैं और कैच किया है चंदी ने। और इसी के साथ विकेट गिरी है। 16 गेंदों पर 30 रन बनाए, 4 चौके, एक छक्का लगाया, एक चौका। काफी तेज खेलते हैं। 19 गेंदों पर 53 रन बनाए थे अपने पहले मैच में। अब आ रहे हैं सलमान केके। सलमान केके ने भी अपने लास्ट मैच में 40 रन की इनिंग खेली थी। दोस्तों और 5 गेंद अभी हैं, शेयर करते जाएं, शेयरिंग को मत रोकिए क्या। उम्मीद करते हैं कि 900 शेयर तक हम पहुंच जाएंगे इस ओवर के अख्तितम तक। वलीद आलम के बाद हमारे साथ है जानजेब नवाज हैं, बिल्कुल जी लिल्ला में है ताजदार भाई, और उसके बाद है फकीर मोहम्मद, बिलावल कालरों ने इनको कहेंगे वेलकम सलाम कह रहे हैं हमें। फहीम अहमद को भी कहेंगे वेलकम। गुलशेर प्यारे दोस्त हमारे पख्तून खैबर, अपना पख्तून 11 के ये हिस्सा है टेबल जब खेलती है पख्तून। इस बार राकेश इस गेंद को, खुर्शीद ने खेलना चाह रहे थे स्लिप की जानिब लेकिन डॉट बॉल। उसके बाद हमारे साथ हैं जी अहमद शाह। अहमद लाइंस का मैच कब है? इसके बाद अहमद लाइंस का मैच है। इस मैच के फौरन बाद अहमद और जैन स्पोर्ट्स के माबेन मैच खेला जाएगा, तो दोस्त जुड़े रहें। अब्दुल रहमान भाई कुर्सी मंगवाए। और एक और अच्छी गेंद बाबू राठौर की। हाँ वो इधर बोलते हैं। डॉट बॉल फरमान अली किशकोरी बलोच खे रहे हैं सलाम वालेकुम सलाम। दोस्तों शेयर करते जाए, 900 शेयर चाहिए मुझे आप दोस्तों से। इस बार खेल दिया है स्ट्रेट ड्राइव चंदी राम से, इस बार कैच ड्रॉप हो चुका है। बड़ी विकेट थी खुर्शीद कपड़ी की, बड़ी विकेट थी। एक रन से मिलेगा, हाथों में आकर कैच ड्रॉप हुआ है। डॉट बॉल एक बार फिर सलमान के करेंगे सामना, इस बार रोक कर खेला डॉट बॉल। इसी के साथ पांचवा ओवर अपने अख्ताम को पहुंचा, बहुत ही जबरदस्त ओवर। इस ओवर में एक रन देकर एक विकेट हासिल की है और खुर्शीद कपूरी को भी आउट करने ही वाले थे लेकिन कैच ड्रॉप हुआ स्ट्रेट पर चंदी के हाथों। अच्छा जी इरफान अली कह रहे हैं मैंने 15 ओवर में शेयर किया, जाने मैं देखता हूँ जाके 900 तक पहुँचाया। दोस्तों एसन गोयल कह रहे हैं कैचेज विन मैचेस, कोई शक नहीं जिसमें। जाने जी तमाम शुक्रिया दोस्तों का, शुक्रिया। 941 तक हम पहुँच चुके हैं, लव यू तमाम दोस्तों को। 941 तक पहुंच चुके हैं, मजीद 39 शेयर चाहिए, 1000 हो जाएंगे, उसके बाद खामोश रहेंगे, फिर अगले मैच में आप दोस्तों को तंग करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि अब 7 ओवरों के बाद ही मैं चेक करेंगे, 7 ओवरों के बाद उम्मीद करते हैं कि 1000 शेयर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे।
चंदी एक बार फिर आए। जयराम थोड़ा सा, जयराम थोड़ा सा, बस बस चंदी। बाबू राठौर ने गेंद को फील्ड किया, इस एक रन के इजाफे के साथ खुर्शीद पहुंचे 24 पर और सुपर गलंदरी पहुंची 58 पर एक विकेट के नुकसान पर। दो अचारिया एक ओवर में 45 रन तक पहुंचा दिया था स्कोर बिलाल जट ने, उसके बाद 16 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हुए। इस बार सलमान ने खेला है बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, ड्राइव जरूर मारी थी लेकिन 4 रन हो चुके थे, 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो चुका है 62। सलमान के पहुंचे 4 पर, सलमान ने अपना खाता 4 रन के साथ खोला है। उसके बाद हमारे साथ जानवेज भाई कर दिए शेर भाई, मैंने शुक्रिया भाई आपका शुक्रिया। असद भाई चेक मैं समझा नहीं क्यों, लेग बाय के एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 63। सलमान खेल रहे हैं 5 पर, खुर्शीद खेल रहे हैं 24 पर। वलीद भाई बिल्कुल जी, वलीद भाई मैंने चेक किया है क्या, बिल्कुल आया मुझे मैसेज 1000 का, क्या सीन है। चंदी ने कैच कर लिया जी हाँ, और इसी के साथ खुर्शीद कपरी की इनिंग का हुआ है इख्तिताम। चंदी पहले जहां 32 रन दिए थे और वापसी की है और बड़ी विकेट हासिल की है खुर्शीद कपरी की, सिंध वॉरियर शुरुआती ओवर्स में विकेट जो लेती है उस रिदम को बरकरार किया। सुपरस्टार ढक के खिलाफ भी 3 विकेट शुरुआती ले ली थी लेकिन आज थोड़ा बिलाल जट खुलकर खेले, इन दो मेन प्लेयर अब तक आउट कर दिए खुर्शीद कपरी और बिलाल जट को। अच्छा जी 1000 इनाम का कहा था उस दिन भूल गया था आज भेजा, ये किसके लिए 1000 का इनाम भेजा है अपने अपना वलीद भाई, 1000 का इनाम किसके लिए भेजा है वलीद भाई। बिल्कुल मुझे 1000 रुपये रसीद हुए इजी पैसा पर। परे रईस कह रहे हैं फ्रॉम मकबूसा कश्मीर से मुझे मेरे दोस्त परे रईस देख रहे हैं, इनको हम वेलकम कहेंगे। जम्मू कश्मीर हो मकबूजा कश्मीर हो काफी दोस्त हमें देख रहे होते हैं। इस बार खेला है सलमान ने, क्या ही खूबसूरत अंदाज से खेला है 4 रन के लिए। सलमान के 4 रन के साथ टीम पहुंची है 67 पर और सलमान पहुंचे हैं 8 पर। अंकल सलिया 70 मरेगा दिन यार, वलीद भाई इसकी जरूरत नहीं थी। सलमान के इन 4 रन के साथ सलमान 71 टीम का स्कोर, सलमान पहुंचे हैं 12 पर। ये वलीद भाई इसकी जरूरत नहीं थी, आपकी मोहब्बत है, आप जितने भी दोस्त मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ये इनाम से बढ़कर नहीं है मेरे लिए। तो ये जिस तरह मैं दोस्तों को कहता हूँ कि मुझे कोई ज़्यादा इनाम नहीं, आप दोस्तों की शेयरिंग ही चाहिए। 1000 रुपये का मुझे इजी पैसा किया वलीद भाई ने, वलीद भाई दिल से शुक्रिया लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। राहिल रफाइल कह रहे हैं शुक्र है भाई कैच पकड़ा। उसके बाद हमें सलार शाह कह रहे हैं टारगेट कितने का, टारगेट जी है 201 का, अब मजीद 84 गेंदों पर 130 रन चाहिए। सुहेल राव को भी कहेंगे वेलकम। सुहेल राव भाई इस बार क्यों नहीं आप खेले, के एस एल में क्या सीन था। खलील आबिद को भी कहेंगे बिल्कुल जी वापस दूंगा मैं, नहीं रखूंगा बेफिक्र रहें खलील भाई। चंदी बॉलर कौन है, चंदर आए हैं बॉलिंग के लिए।
सामना करेंगे गुलाम रसूल। चंदर है बॉलिंग के मोर्चे पर। मोहम्मद उमर कह रहे हैं साईं शहराज है क्या? साईं शहराज पके मूड में, इस टीम में नहीं है। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है। उसके बाद हमारे साथ थे वहीद बाबू। वहीद बाबू हार्ड हिटर है, इनको कहेंगे वेलकम। टोरंटो ईगल्स का इस बार हिस्सा है, लास्ट ईयर कुनी हिटर्स की नुमाइंदगी कर रहे थे केएसएल सीजन 2 में। इस बार वाइड बॉल, वाइड बॉल के एक एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर हो चुका है 72। सलिए के 70 पर सलमान अहमद कायम खानी की दावत। इस बार सलमान ने खेला है एक रन के लिए। वहीद भाई कह रहे हैं सलिया के 70 पर सलमान अहमद कायम खानी से दावत खाएंगे अदील उमर। अच्छा जी, मेंशन कर रहे हैं फैसल खान को। जाकिर हुसैन रिंद को भी कहेंगे वेलकम। चंदर सामना करेंगे सलमान। सलमान ने इस बार खेला है, रोटेट कर रहे हैं। एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 74 दो विकेटों के नुकसान पर। चंदर एक बार फिर गेंद करेंगे इस बार गुलाम रसूल को। गुलाम रसूल ने खेला है पॉइंट की जानिब, डॉट बॉल। इस बार वाइड बॉल, वाइड बॉल के इस एक एक्स्ट्रा रन के साथ 75 दो विकेटों के नुकसान पर। इस बार खेला है गुलाम रसूल के इन चार रन के साथ स्कोर हो चुका है 79 और गुलाम रसूल पहुंचे हैं 5 पर। आजियान इम्तियाज कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक सिंध वॉरियर। इनके वालिद मोहतरम खेल रहे हैं इस टीम में। नसरुल्ला जमाल समेजो को भी कहेंगे वेलकम, कह रहे हैं गुड मैच। वीडियो को शेयर कर दें नसरुल्ला जमाल समेजो भाई। एक्स्ट्रा का एक रन मजीद मिलेगा इस एक रन के साथ 80। 9 रन दे दिए इस ओवर में चंदर ने अब तक। चंदर आखिरी गेंद करवाएंगे अपने इस ओवर की। गुलाम रसूल ने खेला है डॉट बॉल। सात ओवरों के इख्तिताम पर 80 रन से दो विकेटों के नुकसान पर। अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो 7 ओवर के बाद स्कोर था सिंध वॉरियर का 68 पर 2 आउट, तो सुपर कलंदरी के 80 पर 2 हैं। पिच काफी साथ दे रही है बल्लेबाजों का। हाई स्कोरिंग मैच होते हैं और वो चेस भी होते हैं। इसमें तारीफ करना होगी हैदर शाह एंड कंपनी की, क्या ही जबरदस्त ग्राउंड को। अच्छा, ट्रैक्टर को जब ये ग्राउंड बनने के मरहल में था इस बार, तो काफ़ी ज़्यादा वो ट्रैक्टर के साथ इस पर काम किया गया, इसलिए आउटफील्ड इतनी ज़बरदस्त है। उसके बाद हमारे साथ आए हैं सोहेल राय, कह रहे हैं कितने का विन है 201 का। सोहेल भाई आपने बताया नहीं इस बार केएसएल 3 में आप, क्या वजह थी? वरना आप केएसएल 1 और 2 में ज़बरदस्त खेले हैं। राजा जॉनसन आए बॉलिंग पर। जयराम इस बार उठा दिया है 6 रन के लिए सलमान ने। और इस 6 रन के साथ सलमान पहुंचे हैं 19 पर, सिनवार सुपर कलंदरी 86 पर। बेस्ट ऑफ लक सिनवारियर कह रहे हैं। 956 शेयर हुए हैं दोस्तों। इस बार खेला है सलमान ने एक रन का मजीद इजाफा, मजीद 44 शेयर चाहिए।
कोशिश करें कि आठवें ओवर तक इसको मुकम्मल करें, साथ दें। राजा जॉनसन गेंद करेंगे गुलाम रसूल को, इस बार खेला है गुलाम रसूल ने इस 4 रन के साथ, 9 पर पहुंच चुके हैं गुलाम रसूल और सिंध वारियर, सॉरी सिंध वारियर मेरे मुंह पर चढ़ चुका है, सुपर कलंदरी 85। मजीद 76 गेंदों पर 116 रन चाहिए। यहां पर आई थिंक कैच ड्रॉप हुआ है, नाइस कमेंट्री ब्रो, कूल कमेंट्री कर रहे हो आप, शुक्रिया राहिल राफेल। शायद दस कह रहे हैं गुड शॉट सलमान अहमद कायम खानी, एक और डॉट बॉल। बिलावल खास कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाई, आपको खुश आमदीद कहेंगे। गुलाम रसूल का एक और चौका, गुलाम रसूल पहुंचे 13 पर। एक रन का मजीद इजाफा 97। यार माफ कीजिएगा कमेंट्री में अगर तसलसल बरकरार नहीं रख पा रहा। सताम कपरी कह रहे हैं 90। इस बार सलमान ने खेल लिया है, सलमान खान का सॉरी सलमान कायम खानी का इस बार देखना होगा। एक और मारम मारम
प्याज आए हैं बॉलिंग के लिए और सामना कर रहे हैं सलमान। इस बार एक रन के लिए खेला है सलमान, पहुंचे 36 पर, सुपर कलंदरी पहुंची 113 पर, 114 पर, नहीं बस सही है। गुलाम रसूल का फाइन लेग की जानिब छक्का, छक्के के साथ गुलाम रसूल पहुंचे 19 पर, सुपर कलंदरी पहुंची 120 पर। एक सौ इक्कीस पर पहुंचे हैं सुपर कलंदरी। अच्छी गेंद, डॉट बॉल, 10 ओवरों के बाद 121, 2 विकेटों के नुकसान पर। दस ओवर के बाद बात की जाए सिंध वारियर्स की, तो सिंध वारियर्स के 93 पे 2 आउट थे, वहीं सुपर कलंदरी की 121 पर 2 आउट है। एक बार फिर हम जाएंगे अब अपने फेसबुक के दोस्तों के पास। आवाज क्यों बंद हो गई? एम हमजा अराइन के बाद हम राकेश कुमार और उसके बाद जुबैर अली को भी कहेंगे वेलकम। बिलाल बिलावल रेक्स आए हैं बॉलिंग कर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, इस एक्स्ट्रा के एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 23, 123, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब मजीद 78 रन चाहिए 59 गेंदों पर। इस पर सलमान ने दफाई अंदाज से खेला डॉट बॉल। ठीक है जोहर भाई, शुक्रिया जोहर भाई। पहली इनिंग, दूसरी इनिंग है, 201 रन का टारगेट है और इसके बाद मैच है जुबैर की टीम का, जैन स्पोर्ट्स का। एक और डॉट बॉल, दोस्तों 956 शेयर हुए, शेयर करते जाएं, 44 शेयर चाहिए सिर्फ। सलमान केके का इस बार अंपायर का इशारा देखना होगा, 6 रन के लिए। इस बार सलमान ने खेला है लॉन्ग ऑफ की जानिब, चंदी मौजूद है, एक इनिंग मिलेगा। सलमान 43 पर खेल रहे हैं, हाफ सेंचुरी की जानिब है। मेरी तरफ से 1100 शेयर दूंगा। अच्छा क्या कह रहे हैं, शेयर होंगे इनके मैच में 100 शेयर जुबैर की जानिब से कंफर्म है, होने भी चाहिए।
पहला मैच खेलेगी जैन स्पोर्ट्स। अगर बात करें तो जैन जुबैर के बेटे का नाम है। जोन गेंदों पर 70 रन चाहिए। 22 पर गुलाम रसूल कह रहे हैं, 43 पर कह रहे हैं सलमान के। ₹964 शेयर कर दिए हैं इसको, तो दोस्तों 1000 तक लेकर जाएं। मजीद हमें चाहिए 36 शेयर, फिर इंशाल्लाह जैन और अहमद के माबेन जो मैच होगा तब आप दोस्तों को तंग किया जाएगा। उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द दोस्त 1000 शेयर कंप्लीट कर देंगे। 964 हो चुके हैं। दूसरे मैच के टॉस भी होने को है। कयूम वड़ाइच और अहमद लाइन्स की कप्तान को बुला लिया गया है। इस बार खेला है इम्तियाज की इस गेंद पर, फील्डर मौजूद है फैसल परवेज। एक ही रन मिलेगा इस एक रन के इजाफे के साथ। स्कोर हो चुका है 132। मजीद 69 रन चाहिए 53 गेंदों पर। फैसल के करेंगे सामना। सिंधवारिया ने एक जबरदस्त टारगेट पहले सेट जरूर किया था, लेकिन बॉलिंग में कुछ खतरनाक परफॉर्मेंस अब तक नहीं दिखा सके। इस बार बहुत जबरदस्त कोशिश बिलावल रैक्सी। एक ही रन मिलेगा इस एक रन के इजाफे के साथ। सलमान पहुंचे 44 पर 133 सुपर कलंदरी, 2 विकेटों के नुकसान पर। 275 हो चुके हैं, सिर्फ 25 शेयर मजीद चाहिए। तमाम दोस्तों को लव यू जो शेयर कर रहे हैं। इस बार खेल दिया है गुलाम रसूल ने, चंदी मौजूद है और ये कैच ड्रॉप कर दिया। चंदी का इस बार इस मैच में दूसरा कैच ड्रॉप हुआ है इस एक रन के इजाफे के साथ। 134 गुलाम रसूल पहुंचे 24 पर। सिर्फ 6 रन चाहिए सलमान को हाफ सेंचुरी के लिए और लंबी हिट की तरफ जा रहे हैं। इसी दौरान डॉट बॉल, गुलाम रसूल का कैच ड्रॉप किया चंदीराम ने। इससे पहले खुर्शीद कपड़ी का भी एक कैच ड्रॉप किया था। इस बार एज जरूर हुआ था और जी हां, स्लिप के फील्डर से भी गेंद दूर थी तो 4 रन मिलेंगे। सलमान के पहुंचे 48 पर। 48 रन पर इस वक्त खेल रहे हैं सलमान के। सुपर कलंदरी का मजमू स्कोर है 138। मजीद 63 रन चाहिए 49 गेंदों पर। 49 गेंदों पर 63 रन चाहिए दोस्तों। सलमान केके की हाफ सेंचुरी देखते हैं। जी हाँ, 6 रन के साथ सलमान केके ने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली। 54 रन पर पहुंचे हैं सलमान केके। 27 गेंदों का किया है सामना, 54 रन बनाए हैं सलमान ने। और अगर इनकी इनिंग की बात की जाए तो सलमान ने 27 गेंदों पर 54 रन बनाए, 5 छक्के 4 चौके लगाए, 6 सिंगल लिए, 1 ही डबल लिया और 14 गेंदे दौड़ खेली है। तो 27 गेंदों पर 54 रन की जबरदस्त इनिंग खेली है सलमान केके ने। अगर मौजूदा रन रेट की बात करें तो इस वक्त 12 का रन रेट है और 7.13 के रिक्वायर्ड रन के रेट के हिसाब से सुपर कलंदरी को ये मैच जीतने के लिए औसत से रन बनाना होंगे। 7.13 का रिक्वायर्ड रन रेट है और करंट रन रेट है 12। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी जारी है बिलाल जट के और खुर्शीद कपड़ी के बाद सलमान केके और गुलाम रसूल की। सुपर कलंदरी के पास बड़ी खतरनाक बल्लेबाजी है, दूसरे मैच में अपने आप को साबित कर रही है इनकी बल्लेबाजी। बिलावल रैक्स ने अपने कोटे का दूसरा और इनिंग का 13वां ओवर लेकर बिलावल रैक्स को खेला है गुलाम रसूल ने। एक रन के लिए, एक रन के साथ गुलाम रसूल पहुंचे 25 पर। सुपर कलंदरी 145। 47 गेंदों पर 56 रन चाहिए। 985 शेयर हो चुके हैं, सिर्फ 15 शेयर चाहिए। इस बार खेला है सलमान केके ने, एक और छक्का सलमान के बैट से। सलमान पहुंचे 60 पर। 151 पर पहुंच चुकी है सुपर कलंदरी।
बिलावल रेस एक बार फिर, इस बार सलमान आई थिंक इंजर्ड हुए हैं। कैरम पड़ा है आई थिंक इन्हें। डॉट बॉल हुई है। एक बार फिर वेलकम कहेंगे तमाम दोस्तों को। सलमान ने इस बार खेला है एक बार फिर 4 रन्स के लिए, मिड ऑफ की जानिब खेला 4 रन्स के लिए, और 4 रन्स के साथ सिकंदर सलमान पहुंचे हैं 64 पर। 155 रन हो चुके हैं इस पर सुपर कंदर की, 48 गेंदों पर 46 रन चाहिए। अच्छा फैसल खान कह रहे हैं, सलमान अहमद कायम खानी को मेंशन कर रहे हैं, आतिफ गोरी को भी कहेंगे वेलकम, वालेकुम सलाम कहेंगे। अंपायर कौन है भाई? अली हैदर शाह और मोहरम चांडी अंपायर है। सलमान के का एक और छक्का, तो फरीद आलमगीर ने कहा था कि सलमान 70 बनाएंगे, बिल्कुल 70 बना दिए हैं अब तक सलमान के ने 31 गेंदों पर। क्या इस भविष्यवाणी की थी वलीद आलमगीर ने, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। 70 रन पर खेल रहे हैं अब, 31 गेंदों का मैच सामना किया है सलमान ने। इस बार फिर खेला है सलमान ने, 1 रन का मजीद इजाफा, सलमान पहुंचे 71 पर, स्कोर 162। शेयर कर दिया है वही एक सुमरों ने, शुक्रिया भाई शुक्रिया। जो नए दोस्त जुड़े हैं वो भी शेयर कर लें, सिर्फ 6 मजीद शेयर अगर आप कर देंगे तो 1,000 शेयर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जयराम आए हैं बॉलिंग पर, जयराम का भी स्वागत किया सलमान ने 4 रन के लिए। मिस फील्ड हुई है चंदी से और 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो चुका है।
सलमान के का इस बार एक ही नस मिलेगा, 76 पर पहुंचे। बिल्कुल हवा काफी ज्यादा है ग्राउंड में, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। उसेर कायम खानी भाई हैं सलमान के कह रहे हैं कि ब्रिलियंट बैटिंग। बिल्कुल इस बार गुलाम रसूल के बैट से एक रन ही मिलेगा। उसके बाद हमारे साथ हैं जुल्फकार अली। सलमान भाई जिंदाबाद, जिदी अरई कह रहे हैं 16 में चेज हो जाएगा। साजी सियाल भी कह रहे हैं मैच इस वक्त कहाँ हो रहा है, मैच इस वक्त कुंडरी में हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट रोड हैदर शाह ग्राउंड। इरफान बलोच को भी कहेंगे वेलकम, टारगेट जी 201 का है। सलमान के इस बार फिर चार रन मिलेंगे। चार रन के साथ सलमान पहुंचे 80 पर और 172 पर पहुंची है। सुपर कलंदरी सलमान बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं। 35 गेंदों पर 80 रन बनाए हैं, 35 गेंदों पर 80 पर खेल रहे हैं। जयराम एक बार फिर इस बार खेला है, एक एक ही रन से मिलेगा। इस एक रन से इजाफे के साथ 81 पर पहुंचे वसीम और सॉरी सलमान और 173 पर सुपर कलंदरी। अच्छा जी शेयर देखते हैं जी, 1000 शेयर कंप्लीट हो चुके हैं। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, लव यू जिन दोस्तों ने ये मोहब्बत दिखाई। मेरे हर दोस्त ने वीडियो को शेयर किया है और मैं शुक्र गुजार हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने एक शेयर किया, और जिन्होंने ज़्यादा शेयर किए हैं वो बिल्कुल मोहब्बत है उनकी मेरे लिए और हमारे इस टूर्नामेंट के लिए। चार रन के लिए खेल दिया इस बार गुलाम रसूल ने और इन चार रन के साथ 177 और 36 गेंदों पर 24 रन चाहिए। और उसके बाद हमारे साथ हैं जी उसामा भुरगड़ी, इनको भी वालेकुम सलाम कहेंगे। उसके बाद है मोहम्मद यासिर हैं, गुड बैटिंग कह रहे हैं। सलमान के सद्दाम कपरी कह रहे हैं भाई मैंने 84 के ऊपर में शेयर कर दिया। बिल्कुल आपको करना भी चाहिए था, सद्दाम हुसैन की टीम है, सद्दाम भाई ये भी हैं हमारे सुपर कलंदरी जो है सद्दाम हुसैन वालों की टीम है। इनको बहुत ही ज़बरदस्त खेल रही है आज इनकी टीम। भाई दो मैचेस हैं, अंपायर कौन होंगे सेकंड मैच के अंपायर को, ये तो अब देखें सेकंड मैच या टॉस हुई है कौन जीता है। एक सौ अस्सी दो विकेटों के नुकसान पर जैनस, आई थिंक टॉस जीतकर जैनस फोर्ड ने फील्डिंग का फैसला किया है एम एल लाइन्स के खिलाफ। दूसरा मैच इसके बाद फौरन स्टार्ट हो जाएगा। खेल दिया इस बार, चार रन मिलेंगे इस चौके के साथ। स्कोर जो 184 और गुलाम रसूल पहुंचे हैं 34 पर।
मजीद 17 रन चाहिए 32 गेंदों पर। आउट क्लास किया है आज सिंध वॉरियर को जिस तरह बैटिंग की है सुपर गंदरी ने। इस बार देखें इस चौके के साथ गुलाम रसूल पहुंच चुके हैं 39 पर 188 रन बना लिए हैं अब तक सुपर गंदरी ने। 13 रन चाहिए मैच 21 गेंदों पर। इस पर वाइड बॉल दो विकेटों पर सुपर कलंदरी ने। सुपर कलंदरी बहुत ही जबरदस्त खेल रही है, अब इन्हें रन चाहिए सिर्फ और सिर्फ 12 गेंदे हैं 30। रखे जोसफ आए हैं बॉलिंग के मोर्चे पर। सलमान केके ने इस बार खेला है 4 रन के लिए। सलमान पहुंचे 87 पर। सुपर कलंदरी क्यों है 193। सलमान एक बार फिर सामना करेंगे राकेश का। राकेश ने इस बार खेल दिया है, अंपायर का इशारा देखना होगा। छह रन के लिए खेला है सलमान ने, 6 रन के साथ 193 पर खेले। 93 पर खेल रहे हैं, 41 गेंदों का किया है सामना। 2 रन चाहिए। इस बार फिर खेला है, देखना होगा। जी हाँ, और 6 के साथ ही यह मैच जीत लिया और सलमान आउट खेल नॉट आउट गए हैं 99 पर। कितना जबरदस्त खेला है सलमान ने, 42 गेंदों पर 99 रन बनाए सलमान ने। और सलमान की इस इनिंग में 9 छक्के लगाए हैं, 8 चौके लगाए हैं, तो जबरदस्त खेले हैं। और इसी के साथ सुपर कलंदरी यह मैच आसानी हरा दिया है सिंध वॉरियर्स को। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने वीडियो को शेयर किया। जो नए दोस्त हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें, फौरन ही बात अब आपको अगला मैच बराह रास्त दिखाएंगे ज़ैन स्पोर्ट्स और अहमद लाइंस के माबेन।